हेलो एंड गुड इवनिंग कैसे हैं सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई कि ऑडियो क्लियर है क्लास शुरू करते हैं हम लोग तो इस क्लास के अंदर हम लोग दो तीन टॉपिक्स देख रहे होंगे एक बार बात कर लेते हैं फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे ठीक है तीन चार टॉपिक्स हम लोग इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं वो हैं हमारे क्या क्या लाइंड कैनाल्स पढ़ रहे होंगे हम लोग ठीक है लाइंड कैनाल्स क्या होता है वाटर लॉगिंग हम लोग ने पिछली क्लास में लाइंड कैनाल्स तक बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था अब बात करते हैं लाइंड केनाल्स की वाटर लॉगिंग की और कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क की ये तीन बेसिक टॉपिक हैं जो हम लोग इस क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे ठीक है स्टार्ट करने से पहले सभी लोग पहले जो बता देंगे कि ऑडियो वीडियो बढ़िया तरीके तरिक... से आ रहा है कि नहीं आ रहा है गुड इवनिंग यार जितने लोग जुड़ गए हैं धीरज प्रीति लव संजीव और कौन है सुरेंद्र दीपाली ठीक है सभी लोग कमेंट करते तो आज लास्ट क्लास नहीं है कल लास्ट क्लास है आज तुम लोग की कह सकते हो सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्लास है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं लाइंड केनाल्स क्या होता है तुमको उनको वैसे बताया तो था कि लाइंड केनाल्स हमारा क्या है ठीक है तो इस क्लास में बेसिकली थोड़ा सा तो हम लोग इनके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो लाइंड और अनलाइंड कैनाल से डिफ्रेंस उनको बताया था देखो अनलाइंड कैनाल्स कैसे देखो मिट्टी के एकदम है ना मिट्टी में बना हुआ है सर तो ऑब्वियसली सर पानी जो है मिट्टी के अंदर सीप कर जाता है बहुत सारा पानी हमारा लॉस होता है कि नहीं तुम बताओ यहाँ पे कॉस्टली कौन है अगर हमसे पूछे ज़्यादा कॉस्टली कौन है तो बोलेंगे सर लाइंड के हमसे कोई पूछे कि भाई चलिए कॉस्टली तो लाइंड है है ना इसमें पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन पानी किसने बचता है मेंटेनेंस किस में कम करनी पड़ती है तुमको इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लगती है हर कह सकते हो छः महीने में घास इसकी जो निकल जाती है इसको हटाना पड़ता है ताकि पानी आराम से फ्लो कर सके तो यहाँ पे दो कॉस्ट हमको झेलनी पड़ती हैं एक तो पानी का लॉस बहुत होता है सर और दूसरा यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत करना पड़ता है ठीक है तो अनलाइन ग्राम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो दो समस्याएं सबसे ज्यादा आ रही है जिसमें पैसा लग जाता है जिसमें लॉस होता है एक तो सीपेज लॉस पानी का लॉस होता है सर और दूसरा यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत करनी पड़ती है इसमें जो घास फूस है सरवाकी कभी नहर कट आ गई है ना कभी नहर कहीं से कटवट गई तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है तो सीपेज लॉस प्लस मेंटेनेंस की कॉस्ट यहाँ पे हमें बेयर करनी पड़ती है अनलाइन ग्राम में जो कि ठीक है और यहाँ पे जो कॉस्ट लगती है सर ऑब्वियसली लाइनिंग की यहाँ पे कॉस्ट लग जाती है यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं सीपेज होगा नहीं ऑलमोस्ट एकदम निल हो जाता है सीपेज यहाँ पे हालांकि थोड़ा बहुत रह सकता है बहुत हल्का रहेगा लेकिन और यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती एक बार सर बस बन गया तो बढ़ गया बढ़ गया से फिर कोई दिक्कत नहीं है है ना समझ कि नहीं तो ये यह यहाँ पर डिफ्रेंस है इसके बाद सर हम यहाँ पर अगर एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लें तो लाइनिंग का सिंपल मीन्स है कि हम अपने आ, मिट्टी वाले कैनाल को अनलाइन कैनाल को किसी ऐसे सरफेस से आ, कह सकते हैं लाइन कर दें ऐसे हार्ड सरफेस या किसी सॉफ्ट सरफेस से जिसमें हमारा इरोजन ना हो सके पानी चाहे कितना भी स्पीड में चले इरोजन हमारा ना हो सके ठीक है ये यहाँ पे मेन है मतलब चैनल हमारा प्रोडक्ट कर दिया जाता है यहाँ पे किससे कॉन्क्रीट से ब्रिक से स्टोन से टाइल से स्फॉल्ट कॉन्क्रीट से क्ले की सॉफ्ट लाइनिंग से कुछ भी हम लोग सर यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरीके से लाइनिंग अपनी की जाती है फायदा क्या मिलता है सर देखिए लाइनिंग का सबसे पहले सीपेज कंट्रोल आप देखिए कितना फायदा मिल रहा है बहुत ऐसे इलाके हैं सर जहाँ पे सीपेज लॉस का ऑर्डर 25 से 50 परसेंट मतलब जितना पानी जा रहा है 25 से 50 परसेंट सोचिए ऐसे ही लॉस हो जाता है कितनी बड़ी दिक्कत है सर है ना तो इससे हमें फ़ायदा मिलता है दूसरा कहीं पर जल भराव नहीं होगा अब देखिए सर होता क्या है कि कैनाल जिस एरिया में है आप समझिए कैनाल जिस एरिया में आइए इसके बगल मान लाली पानी रिस रिस के बगल में चला जाएगा बगल के जो एरिया है बगल के जो खेत हैं वहाँ पे बहुत सारा पानी भर जाएगा सर यहाँ से है ना सीपेज होके तो सीपेज होके सर पानी बगल के खेतों में भर जाता है जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम आती है लाइन कैनाल में तो वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है तो वाटर लॉगिंग से अगर हमें बचना है तो क्या करेंगे हम लोग अपने कैनाल की लाइनिंग कर देंगे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बताओ तो अगर वाटर लॉगिंग से बचना है तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं कैनाल की लाइनिंग कर सकते हैं बाकी फिर हमारे कैनाल की कैपेसिटी बढ़ जाती है ठीक है नहर की क्षमता बढ़ जाती है आप खुद सोचिए लाइनिंग अगर हो जाएगी तो पानी तेज़ी से चलेगा है ना आप छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर बनाएंगे तो पानी स्पीड में बढ़ेगा है ना तो ये एक फ़ायदा देखने को मिलता है हाई वेलोसिटी से जल्दी पानी निकल पाता है आराम से उसके बाद सर अगल बगल कहीं पानी आपका भरेगा नहीं तो बाढ़ का खतरा नहीं बनेगा ठीक है और ऑब्वियसली सर अब आपका पानी का लॉस कम हो रहा है तो वो पानी ज़्यादा खेतों में फैलेगा ये बहुत अच्छी बात है तो जो कमांड एरिया है जो पानी पहले कम एरिया में पहुंच पा रहा था वो अब ज़्यादा एरिया में पहुँचेगा तो ये सारे फायदे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं ठीक है तो बहुत सारे फ़ायदे इसमें मिलते हैं बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है हमारी एक भाई तुमको बताया घास फूस बार बार निकल आती है कहीं से मान लो मिट्टी कट गई तो पानी बाहर बहने लगेगा तो ये सब मेंटेनेंस कॉस्ट है जो बहुत ज़्यादा एनुअली बेयर करनी पड़ती है वहाँ पे है ना तो वो भी कम हो जाएगी तो ये सब फ़ायदे हम लोग को लाइन गाल में देखने को मिलते हैं रखरखाव की जो कीमत है है ना वो सब देखो रखरखाव में क्या करते हैं देखो अनवॉन्टेड जो प्लांट्स उग जाते हैं घास फूस निकल जाती है जो सिल्ट हाँ एक और चीज़ अनलाइन कैनल में सिल्ट बहुत डिपॉजिट होती है तो उस सिल्ट की क्लीनिंग करनी पड़ती है ये भी अपने आप में बड़ा खर्चा है और माइनर रिपेयर जैसे कोई क्रैक हो गए कुछ गड्ढे हो गए कहीं पर मिट्टी बैठ गई कहीं हट गई निकल गई तो वो सब भी सेटल आउट उन लोग को करना पड़ता है ठीक है लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है लाइनिंग की सबसे बड़ी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है ठीक है अनलाइन कनाल से ज़्यादा कॉस्ट इनकी होती है और लाइनिंग करना कोई छोटा काम नहीं है बड़ा समय इसमें लगता है ठीक है बहुत बड़ा समय यहाँ पे लगता है लाइनिंग करने में ठीक है और लाइनिंग हम लोग को कब करनी चाहिए देखिए सर एक सिंपल क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा सकता है जब बी 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 वाई सी रेशियो क्या हो वन से ज़्यादा हो ठीक है समझो यहाँ पे बी वाई सी रेशियो जब हमारा क्या हो सर वन से ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे लाइनिंग करेंगे वरना लाइनिंग नहीं करेंगे ठीक है बी वाई सी का मतलब क्या बेनिफिट बाय कॉस्ट अगर आपको सर कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि बेनिफिट हमारे जो है मान लीजिए लाइनिंग करने में मुझे पैसा लग रहा है बहुत सारा तो जो फ़ायदा हो रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए जो लागत लग रही है उससे फ़ायदा ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए जो पैसे में बचत हो रही है पानी की है ना सर कैनाल की लाइनिंग आर की होती है या पी की बेटा पी की होती है है ना पी की होती है आर नहीं होता वो ठीक है सीमेंट कॉन्क्रीट यूज़ करते हैं हम लोग सिंपल सा तो सर बेनिफिट अगर कॉस्ट से ज़्यादा होगा मतलब ये रेशियो अगर वन से ज़्यादा होगा तभी सर हम लोग लाइनिंग करेंगे वरना लाइनिंग जस्टिफाइड नहीं है सर सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये यह है ठीक है सिंपल सा यहाँ पे ये यह कन्सेप्ट है एक सेकंड रुक जाओ जरा हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड चलो वापस देखते हैं हाँ बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो हमारा क्या है वन से ज़्यादा होना चाहिए है ना चलो ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा काम हो गया था बेटा चलो कोई नहीं पढ़ते हैं आगे हम लोग तो यहाँ तक तो हम लोग सब समझे गए होंगे है ना सर ठीक है यहाँ तक सब बात समझ में आ गई होगी अब अच्छा एक चीज़ तुम देख लो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है कि हम लोग को पूरा कॉस्ट और समझनी पड़े कैसे एनालिसिस वगैरह होती है बस सिंपल से हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है और एवरेज एनुअल बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट कम होनी चाहिए ठीक है बेनिफिट्स आपने बताया सर एक तो कॉस्ट ऑफ वाटर बच जाती है सर है ना जो वाटर सीप कर रहा होगा एक तो वो पैसे में बचत मिलती है दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट में हमको फ़ायदा मिलता है ठीक है तो ये दोनों बेनिफिट्स हो गए सर है ना ये दोनों बेनिफिट्स हैं तो ये जो बचत हो रही है सर ये हमारी बेनिफिट्स हैं ये ज़्यादा होनी चाहिए ये बेनिफिट्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए और जो खर्चा लगने वाला है जो कैपिटल का खर्चा लगने वाला है सर लाइनिंग बनाने में जो कॉस्ट लगने वाली है कॉस्ट ऑफ लाइनिंग और जो पैसा हम लोग लाइनिंग में लगा देंगे उस पर जो इंटरेस्ट लॉस होगा ठीक है भाई मान लो हमारे दो करोड़ रुपये खर्चा होगा लाइनिंग में एग्जाम्पल के तौर पर तो उस पर इंटरेस्ट का लॉस होगा कि नहीं होगा बताओ वही पैसा खाते में रखते अगर बैंक में रखते तो पैसा मिलता सर बढ़िया से तो ये हमारी कॉस्ट हो जाती है तो एक साल में हम कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं एक किलोमीटर लेते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि कितना बेनिफिट हुआ साल भर में और कितनी कॉस्ट लगी साल भर में इंटरेस्ट का लॉस तो वो बेनिफिट अगर ज़्यादा है कॉस्ट से तो हम कहते हैं कि भाई लाइनिंग करेंगे वरना हम लोग लाइनिंग नहीं करेंगे है ना सिंपल बात है कि नहीं तब लाइनिंग होगी वरना लाइनिंग नहीं होगी तो एग्जाम में तुमसे पूछ सकता है कि लाइनिंग कब करेंगे तो सब लोग याद रखना कि बी बाई सी रेशियो जो है हमारा वन से ज़्यादा रहता है ठीक है चलिए सर तो ये सब हम लोग के कुछ डेटा हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है इनको तुम हटाओ अच्छा हमारे जो लाइन कैनाल बनते हैं जनरली दो तरह के बनते हैं ट्रैंगुलर और ट्रेपेडोरल अगर छोटा मोटा डिस्चार्ज है तो ट्रेंगुलर सेक्शन बना सकते हैं कुछ इस प्रकार का देखिए अगर हमारा डिस्चार्ज पचपन से कम है तो ट्रेंगुलर और पचपन से ज़्यादा है तो लो हम लोग ट्रेपेडोरल सेक्शन जनरली हम लोग लेते हैं ठीक है कोने जो होते हैं उसको सर्कुलर कर देते हैं क्योंकि सिल्टिंग ना हो और डिस्चार्ज कैनिंग कैपैसिटी ज़्यादा रहे जैसे कोने का मतलब क्या जैसे मालिक सर ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं ना तो ये जो कोना है सर इसमें ऑटोमेटिकली मिट्टी बैठ जाएगी तो आप एक काम करते हैं इसको राउंड कर देते हैं क्या कर देते हैं राउंड कोने को राउंड कर देते हैं तो ये हमारा ट्राएंगुल सेक्शन है इसका एरिया पेरीमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है और ये हमारा ट्रेपेजॉयडल है तो ट्रेपेजॉयडल में सर क्या आप देख पा रहे हैं ये जो कोने थे वैसे तो ट्रेपेजॉयडल ऐसे होना चाहिए था वैसे तो ट्रेपेजॉयडल सर हमारा ऐसे रहेगा है ना लेकिन सर क्या करेंगे यहाँ पे भर जाएगी मिट्टी ठीक है तो इसलिए हमने इसको राउंड कर दिया तो इस तरह से ट्रेवेजॉडल सेक्शन हम लोग देते हैं ठीक है तो ये बात तुम लोगों को समझ में आई होगी बाकी टाइप ऑफ लाइनिंग की अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट कॉन्क्रीट बर्न क्लेटाइन बोल्डर ये सब अलग लाइनिंग है इनमें कितनी वेलोसिटी दे सकते हैं इतनी वेलोसिटी अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर इतनी वेलोसिटी से ऊपर गए जैसे हम तुमसे एग्जाम वेलोसिटी पूछ सकते हैं कि बताओ अगर हमने बोल्डर लगाए हैं लाइनिंग में ठीक है अच्छा लाइनिंग किन किन चीज़ों की कर सकते हैं सर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट लिखा है तो हार्ड लाइनिंग से अगर हम बात करें ठीक है शायद आगे है कि नहीं है हार्ड लाइनिंग्स हां यहां देखो है ये देखिए सर ये आपकी सीमेंट लाइनिंग है ये देखिए क्ले बर्न क्ले जो ब्रिक होती है वो लगी हैं और ये देखिए बोल्डर लगे हुए हैं ठीक है तो हर तरह की लाइनिंग यहां पर रखी जाती है ठीक है यहां पे फ्री बोर्ड मतलब ऊपर जो जगह छोड़ी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्री बोर्ड बोलते हैं फ्री बोर्ड कितना रखा जाता है ये तुमसे एग्जाम में सवाल पूछ ले जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है सब लोग कमेंट करता हूँ कि देखो जनरली ऐसा डिस्चार्ज अगर दस से ज्यादा है तो फ्री बोर्ड हम लोग पॉइंट मीटर uh, वगैरह रखते हैं ऊपर से जो जगह छोड़नी पड़ती है ठीक है ऐसा तो है ना कि पानी हम लोग पूरा ऊपर एकदम तो भर देंगे भाई तो पानी यहाँ तक भरा उसके ऊपर थोड़ी जगह छोड़ जाती है ना तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं कि uh, हमारी कनाल का डिस्चार्ज इतना है सो एंड सो है तो फ्री बोर्ड कितना होगा इस तरह एक क्वेश्चन एग्ज़ाम बने हैं ठीक है लाइंड केनाल के लिए ये लाइंड केनाल के डेटा हैं ठीक है ठीक है तो इसको याद कर लो बढ़िया से से अपना चलता है मामला ठीक है तो लाइन कनल का अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग हटाते हैं ठीक है चलो और अब देखा जाए अब पढ़ते हैं वाटर देखो, तुम को याद रखना है क्या लाइन के बेसिकली तुम लोग को याद रखना है लाइन के नाल में बेसिकली क्या फायदा मिलता है और बी बाई सी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है ठीक है कि अगर बेनिफिट बाय कॉस्ट का रेशियो वन से ज़्यादा होगा तो हम लोग से लाइनिंग करेंगे वरना लाइनिंग करने का कोई फायदा अपना नहीं है ट्राइंगुलर और ट्रिपोरल सेक्शन देते हैं बस इतनी चीज़ें यहाँ पे रात रखो ठीक है अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर लॉगिंग जल भराव ठीक है जल भराव का मतलब क्या है सर हाँ चलो ज़रा कमेंट करो हाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर चीज़ें अब जल भराव की अगर हम लोग बात करें सर तो देखिए क्या है यहाँ पे देखिए इस खेत में पानी भर गया देखिए बढ़िया से तो जल भराव की कंडीशन कब बनती है जब वाटर टेबल हमारी ऊपर आ जाए वाटर टेबल सर हमारी अगर ऊपर आ जाएगी तो ये हमारी जल भराव की कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी ठीक है तो एक एग्रीकल्चरल लैंड में जल भराव की कंडीशन जब आती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो होती है सर वो वहाँ पर घट जाती है फिर आप उतनी तेज़ी से सर यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो होते हुए नहीं देखेंगे ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए ठीक है जल भराव हर फसल के लिए अच्छा नहीं है तो अब सर ये हो इसके देखिए दो तीन चीज़ें पढ़नी है दो तीन चीज़ें पढ़नी है चैप्टर में क्या तीन बातें सर पहली चीज़ कि जल भराव आखिर होता क्यों है देखिए समझते हैं तीन चीजें पढ़नी है क्या कारण होते हैं जल भराव के कॉजेस तुमसे पूछ सकता है ठीक है क्या नुकसान होते हैं इफेक्ट क्या है अगर पानी भर जाएगा तो क्या नुकसान होगा और तीसरी चीज तीसरी चीज हमको समझनी पड़ेगी कि कैसे उसे हम कंट्रोल करें भाई अपने हम लोग हम लोग इंजीनियर हैं तो हम लोग का काम है जल भराव को कंट्रोल करना ठीक है हाँ वाटर टेबल तुमको बता देते हैं बेटा वाटर टेबल कुछ नहीं है जैसे मान लो ये जमीन है ठीक है ये जमीन है अपनी जमीन का सिंबल ये है और नीचे मान लो ये पानी का लेवल यहां तक है ठीक है यहां तक पूरे सॉइल के वॉइड पूरी तरह से है पानी पूरा भरा हुआ है ये वाटर टेबल है ठीक है इसका सिंबल इस तरह से रहता है अपना ये पानी इसके नीचे भरा हुआ तो जमीन के कुछ नीचे ग्राउंड वाटर टेबल होती है और जब ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आती है मान लो कहीं पे तो तुम देखते हो वहां नदी या तुमको तालाब या कह सकते हो समुद्र दिखाई देगा जब पानी ऊपर है जमीन नीचे है तो उसको समुद्र ओशन रिवर कुछ बोलेंगे और जब जमीन ऊपर है पानी नीचे है तो हम ये बोल सकते हैं कि वो अपना सरफेस है लैंड है है ना हाँ ये सब कौन तुमको बता देंगे ठीक है तो ये चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है अब देखते हैं सर एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट की क्या नुकसान देखने को मिलते हैं ठीक है सबसे जल भराव से क्या नुकसान देखने को मिलते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं सर देखिए होता क्या है अगर यहाँ पानी भर जाएगा तो तुम बताओ एयर की कमी हो जाएगी अगर एयर की कमी हो जाएगी तो जो हमारे फायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो न्यूट्रिएंट्स को फिक्स करते हैं जो न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराते हैं जड़ों के लिए वो बैक्टीरिया मर जाएंगे है ना ठीक है अगर वो अगर वो मर गए सर तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी ठीक है और उसकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा तो हमारी जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है उस उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि सर आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो इल एरेटेड इल एरेटेड मतलब वहाँ पे जो खेत की उत्पादकता है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि सर वहाँ पे हवा की कमी हो गई है जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक है तो क्रॉप ईल्ड हमारी जो रहती है जो हमारी यहाँ पर कह सकते हैं उत्पादकता होती है वो घट जाती है जो उपज है खेती वो कम हो जाती है ठीक है दूसरी समस्या ये देखने को मिलती है कि जब ये वाटर टेबल ऊपर आती है जब ये वाटर टेबल हमारी ऊपर आती है पानी बहुत बढ़ जाता है यहाँ पे बहुत ऊपर तक वाटर टेबल हमारी यहाँ पे आ जाती है तो सर क्या आप देखने को मिलता है कि ये वाटर टेबल इसके अंदर होते हैं सर सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटा इसके अंदर कमेंट करो सॉल्ट्स कौन से तीन सॉल्ट कॉमन होते हैं एक एन एक एन ठीक है एक एन एक एन और एक हमारा एन सोडियम सल्फेट ये तीन हमारे सॉल्ट्स यहाँ पे रहते हैं ठीक है ये तीन सॉल्ट्स हमारे यहाँ पे रहते हैं अब ये तीन सॉल्ट्स है ना वाटर टेबल और वाटर लेवल में डिफरें वाटर टेबल हम्म वाटर टेबल वाटर लेवल और डिफरेंस हाँ तीन से बताएँ वाटर टेबल वाटर लेवल क्या है ये वाटर लेवल है इसका है ना और ये यही वाटर टेबल है वाटर लेवल क्या मतलब जो पानी नीचे सेचुरेटेड पूरा भरा हुआ है जहाँ तक वो हमारा वाटर लेवल है बस ठीक है वाटर लेवल किसी भी चीज़ का हो सकता है वाटर टेबल ना भी हो तब भी मान लो एक ग्लासने पानी भर दिया तो वाटर का लेवल यहाँ पे है तो वाटर टेबल एक अलग चीज़ है जो ग्राउंड के नीचे है है ना और वाटर टेबल सर हर जगह है कहीं भी हो सकता है तो उसको हम लोग वाटर लेवल मेजर कर सकते हैं ठीक है ये बेसिक डिफरेंस है तो सर ये दो तीन सॉल्ट होते हैं अब जब ये पानी ऊपर आएगा तो अपने साथ सॉल्ट को लेके आएगा अच्छा बताओ जब ऊपर पानी उड़ जाएगा जब सर ये पानी उड़ जाएगा तो पीछे वाइट पैचेस छूट जाएंगे इन सॉल्ट के जब सर ये पानी के अंदर सॉल्ट थे सॉल्ट ऊपर आ गए पानी उड़ गया जब पानी उड़ गया तो पीछे क्या बचेगा बताओ तुमको वाइट पैचेस नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ वाइट पैचेस नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे इसको बोलते हैं ई फ्लोरेसेंस हमारी ज़मीन ख़राब हो जाती है ज़मीन में नमक कंटेंट बढ़ जाता है इसको क्या बोलते हैं बेटा कमेंट करो क्या बोलते हैं इसको ई फ्लोरेसेंस बहुत खराब चीज़ है ये है ना हाँ। ठीक है तो इसको बोलते हैं फ्लोरसेंस अब यार ये बताइए सर जमीन पे पड़ गए वाइट पैचेस बड़ी प्रॉब्लम हो गई ठीक है हाँ चलो सबने ने स्पेलिंग लिखी क्या कोई दिक्कत नहीं है तो अब सर क्या है हमारे यहाँ पे नहीं बेटा कहाँ रहते हैं यार पार्टी वार्टी कहां तुम लोग चक्कर पड़े हुए हैं हाँ आर सी सी में तू नहीं फ्लोरस पड़ा भाई कॉन्क्रीट भाई सेम चीज है तो यहाँ पे जमीन हमारी खराब हो जाती है जमीन गई काम से चली गई ये जमीन सेलाइन हो जाती है सब लोग लिखो ये सॉइल कैसी हो जाती है सर जी ये सॉइल कैसी हो जाती है सलाइन यहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन बढ़ जाता है बड़ी प्रॉब्लम है सर ये है, है ना ये बड़ी प्रॉब्लम है तो अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग चलो भी हम तुमको कंट्रोल सिखाते हैं लेकिन क्या तुमको इफेक्ट समझ में आ गए सबको इफेक्ट समझ में आ गए सर इफेक्ट मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गए तीन बातें आपको बताते हैं सर हम कितनी बातें तीन बातें देखिए तीन प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही सबसे पहली कि आपकी जो यहाँ पे हवा है एरेशन भाई देखिए हमारा जैसे हम लोग हैं हम लोग को सर पानी भी चाहिए हवा भी चाहिए अब हमको पानी में डुबो देंगे तो मर जाएंगे सर और एकदम पानी से दूर कर देंगे एकदम हवा दे देंगे तो भी मर जाएंगे तो दोनों चीज़ें चाहिए वैसे हमारी जड़ों को भी दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं तो हवा की कमी होती है पहली चीज़ दूसरी समस्या जो आप बता रहे हैं क्या बताओ सबको समझ में आ रहा है कि सॉल्ट बढ़ जाएंगे सेलिनिटी बढ़ जाएगी है ना और सर क्या होता है ये जो सॉल्ट होते हैं हमारे ये जो सॉल्ट यहाँ पे आते हैं सॉल्ट तो कॉल्ट कंसनट्रेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ जमीन का पीएच ही बढ़ता है क्योंकि जो सॉल्ट आप देख रहे हैं पानी के साथ घुल के एन बनाएंगे तो हमारा पीएच भी हमारा बढ़ेगा एल्कलिनिटी बढ़ेगी एक तरह से ये सोल्ट एक तरह से यहां पे पी को भी बढ़ाएंगे नहीं समझ में आ रही बात तो अगर हमसे कोई बोले कि भाई क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं जब वाटर टेबल ऊपर आती है तो क्या कमेंट करोगे बताओ क्या कमेंट करेंगे जल्दी बताओ क्या कमेंट करेंगे हम लोग क्या कमेंट करने वाले बताओ भाई सेलिनिटी बढ़ती है सर एलिकिटी बढ़ती है और एरेशन हमारा घटता है हाँ ये तीन प्रॉब्लम यहाँ पे देखने में मिलती हैं अब हम समझते हैं चलिए है सर इफेक्ट तो हमारा क्लियर हो गया अच्छे से अब बात करते हैं कॉजेज क्या हैं कि आखिर हमारी जो वाटर लॉगिंग है वो किन किन कारणों से होती है तुम लोग कुछ गैस कर सकते हो तुम लोग कुछ गैस कर सकते हो क्यों हमारी यहां पे वाटर लॉगिंग होती है बताओ हाँ फर्टिलिटी कम हो जाएगा देखो ये तीनों चीजें अगर होंगी तो इससे फर्टिलिटी कम होगी इसमें कोई दो राय है नहीं है, है ना Means हवा हवा air, air मतलब हवा मतलब हो गई है ना और क्या है ठीक है हाँ, बिल्कुल सही सही सब लोग बता रहे हैं देखो बिल्कुल तुमने सही बोला अगर पहली चीज तो सब सिंपल है बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाती है ना हाँ बारिश अगर बहुत ज्यादा होती है तो हमारा यहाँ पे वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है बिल्कुल सही तुमने बोला और अगर हम सिंचाई जरूर से ज्यादा करते हैं बहुत ज्यादा पानी अगर हम ओवर इरीगेशन कर देंगे ठीक है तो हो जाएगी अच्छा इरेगुलर टोपोग्राफी है कि पानी भर जाता है एक जगह जल हो जाता है तो भी यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है नालियों की दिक्कत है नालियाँ अगर सही से नहीं है तो पानी जो है बारिश का पानी या कोई पानी जो जमा हुआ है वो अच्छे से निकल नहीं पाएगा ये तुम शहर में भी देखा होगा बारिश होती है पानी भर जाता है जगह जगह फिर बच्चे नाव बनाते हैं वहाँ पे वही सेम कहानी है सर यहाँ पे है ना तो अगर अच्छे से नालियाँ यहाँ पे नहीं होंगी जल की निकासी के रस्ते अगर अच्छे से नहीं बने होंगे तो भी सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी है ना हाँ बिल्कुल कॉज इंसेट मॉस्किटो जनरेशन नहीं पानी क्यों भर जाता है ये हमें जानना है पानी क्यों भरता है वो बताओ बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है बारिश अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए बाढ़ बाढ़ आ गई तो भी सर बढ़ जाता है ठीक है और जो नाले आ, केनाल्स होते हैं कैनाल्स के बगल में आपने बताया केनाल से सीपेज होता है लैंड केनाल से तो कैनाल के बगल में हमको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ठीक है तो वाटर लॉगिंग के ये सारे कुछ कारण हो गए सीपेज हमको देखने को मिलेगा ठीक है सीपेज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा हाँ कैन बी कॉज बाय नेचुरल ऑल्सो बाय मैन मेड हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो चाहे आर्टिफिशियल नालियाँ ना हो या नेचुरल नालियाँ ना, ना हो, अगर प्रॉपर तरीके से तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो ये सब कुछ बेसिक कारण हैं किसके वाटर लॉगिंग के ठीक है सीपेज फ्रॉम अनलाइंड केनाल भी देख सकते हो सीपेज फ्रॉम अनलाइंड कैनाल्स अनलाइंड केनाल से सीपेज होता है तो अब सर बात करते हैं सोल्यूशन की कैसे हम लोग जल भराव को ख़त्म करेंगे ये तो जल भराव के का कारण है जो बहुत ईजी है तुम आराम से समझ सकते हो ठीक है एकदम आराम से हाँ सॉइल की लेस वॉरबलिटी भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सॉइल की प्वालिटी वैसे कमी रहनी चाहिए ये तो अच्छी बात है कि सॉइल की प्वालिटी ठीक ठाक कमी है तो पानी रुकेगा रुकेगा तो जड़ों में जाएगा जड़ों के लिए अवेलेबल रहेगा ठीक है वो तो चलो अच्छी चीज़ है बाकी हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ वाटर लॉगिंग की तो यहाँ पे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उसमें हम लोग जो है क्रॉप रोटेशन करते हैं क्रॉप रोटेशन मतलब कैसे करते हैं हम लोग उन फसलों को लेके आते हैं जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं ठीक है फिर अगली बार कम पानी वाली लगा देंगे फिर जब पानी बढ़ने लगेगा तो फिर हम जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं उनको लगा देंगे इस तरह ठीक है क्रॉप रोटेशन में सर हमको ऐसा मैनेज करना है कि जो पानी ज़्यादा पी रही है उनको पहले लगाओ वरना बाद में लगाओ है ना फिर हमारा एक रहता है लाइनिंग हम कैनाल की कर देंगे सर लाइनिंग कर देंगे ठीक है कैनाल की लाइनिंग कर देंगे हाँ इरिगेशन को कंट्रोल करेंगे बिल्कुल सही इरिगेशन को ऑप्टिमम करेंगे ये तुमने बिल्कुल सही कराया ऑप्टिमम यूज़ करेंगे वाटर का बहुत अच्छा तुमने बताया है ऑप्टीम यूज ऑफ वाटर करेंगे ठीक है लिफ्ट इरीगेशन का इस्तेमाल करेंगे लिफ्ट इरीगेशन सर क्या होता है वाटर टेबल से हम लोग नीचे ग्राउंड वाटर को पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो पानी के लेवल कम हो जाते हैं ना ये भी तुमने बिल्कुल सही बताया है और बताओ सही कैस कर रहे हो तुम लोग लिफ्ट इरीगेशन यूज़ कर सकते हैं पानी का हम लोग इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं इंटेंसिव ऑफ इरीगेशन कम कर देंगे ठीक है और कैनाल की लाइनिंग कर देंगे कैनाल की लाइनिंग कर देंगे तो पानी बगल में जाएगा नहीं सीपेज नहीं होगा तो भी जलभराव की कंडीशन आपकी खत्म हो जाएगी है ना लाइनिंग का मतलब अब बेटा तुम आप आयो लाइनिंग का मतलब अभी आज लाइनिंग का मतलब सुन जाए थे पीछे देखो वीडियो ठीक है और फिर क्रॉप रोटेशन तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नालियाँ अच्छी कर दीजिएगा अगर नालियाँ अच्छी होगी तो पानी बह के कम से कम से नदी तक अपना पहुँच जाएगा है ना सारा पानी बह के अल्टीमेटली नदी में पहुंचता है ये तो आपने हाइड्रॉजी बताया था तो ये सारी चीजें करेंगे ठीक है अब एक चीज़ यहाँ पे सर आपने हमको बढ़िया तरीके से समझा दी एक हमारा टर्म आपने बता दिया हमको कि जब हमारे वाटर लॉगिंग होती है तो क्या क्या समस्या आ रही है बेसिकली आपने बताया कि एक तो सर हम लोग खेती अच्छे से नहीं कर पाते खेती के जो कार्य हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रहे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है ठीक है और हम आपने बताया कि सैलिनिटी और एल्टिनिटी हमारे सॉइल की बढ़ जाएगी जिससे आपकी उत्पादकता में बड़ी दिक्कत आएगी फिर मच्छर वच्छर उसमें पैदा हो जाएंगे ठीक है प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी अनवांटेड प्लांट्स वगैरह फालतू के ग्रो हो जाएंगे और वहाँ पे मच्छर वगैरह ये सब कोई डिज़ीज़ डेंगू मलेरिया टाइप की फैल सकती है तो ये सब समस्याएँ जो है देखने को मिलती हैं मेन लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पानी हटने के बाद भी आप वो जो ज़मीन है उस ज़मीन का सॉल्ट कंसनट्रेशन और पी एच बढ़ जाएगा तो अब सवाल सर ये है कि हमारा किसान कैसे उस ज़मीन को वापस पाए कैसे उस जमीन को वापस रिक्लेम करें सही करें है ना बात समझो हम लोग कैसे उस जमीन को अभी सही करें ये हमारा सर लक्ष्य है ठीक है कैसे हम उस जमीन को सही करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस होता जिसको है जिसको बोलते हैं लीचिंग ठीक है तो आइए सर देखा जाए इसको समझा जाए लीचिंग कैसे क्या होता है लीचिंग को थोड़ा समझते हैं तो हमारा ये सॉइल रिक्लनेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या है कि हमारी जो सॉइल है जो ख़राब हो गई जो बर्बाद हो गई जो बेकार हो गई सर उसे मुझे वापस से सही करना है ताकि मैं दोबारा से वहाँ पे नॉर्मल तरीके से खेती वगैरह कर सकूँ है कि नहीं बात समझ लो कि नहीं तो सर अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लीचिंग करें लीचिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग अब सॉल्ट पूरा जमा हुआ है वाइट पैचेस पूरे पड़ गए हैं ठीक है थीके? तो हम लोग वहाँ पर खूब सारा पानी डालेंगे साफ़ पानी तो सिंचाई में जो पानी इस्तेमाल होता है उसी का एक्स्ट्रा पानी लेते हैं और उस पानी को हम लोग खेत में उतर के किसान लोग खेत में उतर के उसको बहुत अच्छे तरीके से स्टर करते हैं चलाते हैं तो बताओ वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं वो सब पानी में घुल जाएंगे अच्छे से वो जो सॉल्ट्स क्योंकि पहले पानी में घुले हुए थे अगर हम और पानी डाल के अच्छे से सर वहाँ पर चलाएं तो बताओ हमारे सॉल्ट्स घुल जाएंगे कि नहीं घुल जाएंगे और फिर वो जो एक्स्ट्रा पानी जिसमें सॉल्ट घुल गए हैं है ना जिसमें सॉल्ट सर घुल गए हैं क्या करेंगे हम लोग ठीक है जिसमें सॉल्ट अच्छे से घुल गए हैं उस पानी को सर हम लोग नालियों के थ्रू बहा देंगे नालियों के थ्रू बहा देंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग सॉल्ट को हटाना और एक बार सर हमने लीचिंग कर दी तो सॉल्ट कंसनट्रेशन कम हो जाएगा फिर हम उसके बाद जब, जब जमीन थोड़ी ठीक हो जाती है तो हम लोग नमक प्रतिरोधी फसलें या सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को वहां लगाते हैं एक आध सीज़न कि ऐसा ना हो कि हमने नॉर्मल क्रॉप्स लगाई तो ग्रो ही नहीं कर रही अच्छे से तो जैसे ज्वार है बाजरा है इसमें दिक्कत नहीं आती तो इसमें हम लोग इनको लगा देते हैं और एक दो सीजन जब निकल जाते हैं तो फिर तुम देखोगे कि पूरी जमीन नॉर्मल हो गई है और सॉल्ट कंसेंट्रेशन सॉइल का नीचे आ गया और हमारी जमीन वापस हमें मिल गई है हम लोग सर खुश हो गए एकदम बढ़िया से है कि नहीं आसान बात समझ में आ गई होगी तो लीचिंग क्या होती है तुमको पता रहना चाहिए बाकी सर आपने बताया था कि सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट ये वाइट हैं तीन सॉल्ट आपने बताया सोडियम कार्बोनेट ब्लैक है सबसे डेंजरस यही है तुमको ने जो तीन सॉल्ट था उसमें सबसे खतरनाक जो है वो हमारा सोडियम कार्बोनेट ही है जो कि बढ़िया नहीं है ठीक है सबसे खतरनाक सॉल्ट uh, यही रहता है हमारा और जिप्सम हम लोग मिलाते हैं ताकि ये सोडियम कार्बोनेट हट जाए देखो जिप्सम का फॉर्मला सी होता है इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा सी एस जो हट जाता है और एन तो सोडियम कार्बोनेट को हटाना है और एन पानी में ज़्यादा सोलिबल होता है और आराम से हट जाता है ठीक है तो बेसिकली जिप्सम को हम लोग डालते हैं इस सॉल्ट को हटाने के लिए ठीक है तो जब भी हमारा uh, कह सकते हैं एल्किनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है तो हम लोग जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं याद रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बस इतनी सी बातें हैं ये सब हम लोग याद रखेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लीचिंग रिक्वायरमेंट वैसे बहुत सिंपल है तुम चाहो तो एक लाइन समझ लो देखिए सर हमको जो टोटल पानी की ज़रूरत है हम लोग जो डेप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर यूज़ करने वाले हैं उसमें दो चीज़ें हैं सिंपल बात एक तो सर जो पानी फसलें पिएगी और दूसरा जो पानी हमको नमक में घोल के बाहर करना है कुछ पानी में नमक घोल के बाहर करना तो टोटल डेप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर जो हम अप्राई करेंगे क्रॉप्स के लिए प्लस लीचिंग के लिए तो दो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे है ना समझो तो लीचिंग रेशियो क्या हो जाता है लीचिंग रिक्वायरमेंट रेशियो क्या हमारा एक तरह से कि कितना नमक घोल के पानी हमने डेप्थ ऑफ वाटर जो बहा दिया और कितना टोटल पानी हमने अप्लाई किया ठीक है तो डेप्थ ऑफ़ ड्रेन वाटर हमारा क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर क्या हो जाएगा टोटल वाटर में सी माइनस कर दो टोटल जो सिंचाई के लिए पानी डाला उसमें तुम क्रॉप ने जितना लिया उसको हटा दो तो बचा हुआ पानी लीचिंग के लिए लगा और अपॉन टोटल तो एक तरह से पता चल जाएगा कि हाँ भाई मान लो फिफ्टी परसेंट पानी लीचिंग इस्तेमाल हुआ ट्वेंटी परसेंट पानी लीचिंग इस्तेमाल हुआ या फिफ्टी परसेंट हुआ जितना भी हुआ वो इस तरीके से यहाँ पे पता चल जाएगा ठीक है तो इसको बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट मतलब लीचिंग के लिए कितना पानी की डेप्थ लग रही है और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो बस लीचिंग के लिए कितनी पानी की डेप्थ लगी और टोटल हमने कितनी पानी की डेप्थ अप्लाई करी ये है बस सिंपल सा है ना सिंपल सा रेशियो इसको बोलते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट ठीक है बस चलो इतना याद रखो इससे ज्यादा जरूरी नहीं है अपने लिए चलो ये सब पढ़ा रहे दो यहां पे तुम चाहो तो पढ़ लेना और इन शॉर्ट फिर हमारा यहाँ पे सॉल्ट रिक्लेम हो जाएगा अब इसको छोड़ो हाँ यहाँ आ जाओ लैंड ड्रेनेज थोड़ा सा देख लो थोड़ा सा देख लो नालियां किस प्रकार की होती हैं लैंड ड्रेनेज दो टाइप के ड्रेनेज होते हैं सरफेस और सब सरफेस जो नालियां सरफेस के ऊपर है उसको हम लोग सरफेस ड्रेनेज बोलेंगे ठीक है उसमें भी कुछ हमारी कम गहरी होती हैं और कुछ ज्यादा गहरी होती हैं और सब सर्फेस में वो नालियां होती हैं जो हमारी जमीन के नीचे रहती हैं ठीक है जो जमीन के नीचे रहती हैं जो ज़मीन के नीचर है सी यू मतलब कंजम्पटिव यूज़ सी यू का मतलब होता है बेटा कंजम्पटिव यूज़ अब देखिए सर आ, बेसिकली शैलो और डीप में फर्क क्या है कि ये नालियाँ सर इस्तेमाल होती हैं जब एक्सेस रेनफॉल वाटर को हमको फील्ड से वाटर फ्रॉम द फील्ड एक्स्ट्रा वाटर को हमें सर फील्ड से हटाना होता है और बेसिकली इसमें समझना पड़ेगा हम लोग को एक चीज़ दे आर नॉट यूजफुल इन रिमूविंग एक्सेस ग्रेविटी वाटर और ये एक्सेस ग्रेविटी वाटर के लिए सही बात है अब देखो ये कम गहरी होती हैं तो इसमें जो ग्रेविटी वाटर है वो ज़्यादा हट नहीं पाएगा अब क्योंकि ये ज़्यादा गहरी है तो बहुत सारा ग्रेविटी वाटर नीचे चला जाएगा और फिर आराम से निकल जाएगा ठीक है हाँ फील्ड में अब जैसे बारिश हुई अचानक से बारिश हुई बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ आपको तुरंत हटाना है तो बारिश का पानी जो इकट्ठा होगा तुरंत हमको हटाना है तो वो हम लोग इससे हटा जैसे तुम देखो घरों के बाहर छोटी छोटी नालियाँ बनी होती हैं तो वो हमारी शैलो हैं कम गहरी हैं और तुरंत ही बारिश होने के बाद सारा पानी बाहर हो जाता है और ये जो गहरी नालियाँ होती हैं सर बहुत नीचे तक जाती हैं उसमें सर क्या कंसेप्ट है कि आ, खेतों में पानी अगर भरा है तो बहुत डीप डाउन परकुलेट जो होगा ग्रेविटी वाटर होगा वो नीचे जाएगा और फिर अपना रिमूव हो जाएगा ठीक है जैसे टाइल ड्रेन्स है आपकी ठीक है टाइल ड्रेन्स देखिए टाइल ड्रेंस क्या होता है ज़मीन के नीचे एक नाली लगाई जाती है और इसके अंदर पोर्स होते हैं पानी जाएगा और इस पोर्स से नाली के अंदर आएगा और नाली से आगे निकल के इस तरीके से बाहर आ जाएगा खेतों में ये हमारी क्या है टाइल ड्रेन है ठीक है तो ये नीचे लगाते हैं और अगर मान लीजिए कहीं पे भी वाटर टेबल ऊपर आ रही है पानी बहुत ज़्यादा भरता चला जा रहा है तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे सर ये टाइल ड्रेन से सारा पानी जाएगा और कभी भी वाटर लेवल तुम खुद सोचो वाटर लेवल कभी भी इस टाइल ड्रेन के ऊपर नहीं आ पाएगा है कि नहीं वाटर लेवल जो होगा वो हमारा इस टाइल ड्रेन के ऊपर कभी नहीं आ पाएगा है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो इससे क्या होता है सर वाटर टेबल नीचे ले जाएगी एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा ठीक है एक्सेस जो ग्रेविटी वाटर वो हट जाएगा मिट्टी का इरोजन बच जाएगा तो ये सारे कुछ फ़ायदे देखने को मिलते हैं और इससे आपके जो जड़ें हैं वो बढ़िया तरीके से पानी को एक्सटाइड कर पाएंगी उनको एयर और वाटर दोनों प्रॉपरली तरीके से मिलेगा अगर टाइल ड्रेन नहीं होता तो ग्राउंड वाटर ऊपर जाता फिर से भाई वाटर लॉगिंग की समस्या बन जाती ठीक है तो बेसिकली जो आप ड्रेन्स यहाँ बता रहे हैं सारे ड्रेन्स के बारे में आप कंसेप्ट यही बता रहे हैं कि ये सभी ड्रेन्स जो हैं वो हमारा यहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या से हमको बचा रहे हैं ठीक है सभी ड्रेन्स यहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या से हम लोग को बचा रहे हैं बस इतना समय याद रखना है बाकी सारी बातें नॉर्मल है ठीक है सरफेस ड्रेनेज तुमने जैसे और भी बहुत सारी तरह की नालियाँ देखे होंगे तुमको थोड़ा सा बताते हैं एक होते हमारी ओपन ड्रेनेज ओपन ड्रेनेज तुमने देखा होगा सीधे सीधे खेतों में जो नालियाँ बनी रहती हैं उसको हम लोग ओपन ड्रेनेज की कैटेगरी में रख सकते हैं ठीक है एक होता है हमारा फरोज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं भाई वो जो फरो बताते थे फनो फरो बताया था फरो इरिगेशन के अंदर तो वो फरो हमारा पैलल चैनल्स थे जो कि पानी को कैरी करते थे और कहाँ पहुँचाते थे सर जड़ों तक पहुंचाते थे अब वही फरोह अगर नाली इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो हम लोग उनको नाली की तरफ यूज कर सकते हैं डेड फरोस को भी हम लोग नाली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेडिंग क्या बोलते हैं बेडिंग बोलते हैं ठीक है तो जो वही फरोस जो पहले पानी सप्लाई कर रहे थे अब वो पानी की निकासी में काम आ जाएंगे ये भी कर सकते हैं तो ये सब तुम्हारे सरफेस टाइप के हैं ठीक है एक फ्रेंच ड्रेन होती है ये सब तुम्हारी सरफेस ड्रेन है एक फ्रेंच ड्रेन होती है ठीक है फ्रेंच ड्रेन और सब सरफेस में सर क्या होता है कि हम लोग नालियाँ ज़मीन के नीचे प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये सब डिफरेंट टाइप की नालियाँ हैं लेकिन इतना तुम्हें जानना नहीं है ये सब अपना कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो बस इतना ही है इसके अंदर चलिए सर अब आ जाते हैं हम लोग डाइवर्जन हेडवर्कस पे ठीक है डाइवर्जन हेडवर्कस पे आ जाते हैं सर हम लोग अब आते हैं डाइवर्जन हेडवर्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पानी कैसे डाइवर्ट किया जाता है कैसे क्या सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन सब के बारे में बढ़िया से बात की जाएगी ये हटा दो ठीक है तो दो तरह के डाइवर्जन हेडवर्क्स हमारे बनते हैं इनके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए एक बार देख लें सब सारी चीज़ें लगी हैं कि नहीं हम्म ये यहाँ कहाँ से चला आया है भाई चलो एक क्वेश्चन जरा तुम्हारे एग्जाम का है ये बताओ ज़रा हमको ये बताओ ये कमेंट करके जाता है क्वेश्चन जरा कर लेते हैं फिर हम लोग कैनाल ड्राइविंग शुरू करते हैं बताओ जरा आज क्लास कब तक होगी आठ बजे तक तो चलेगी यार कम से कम है ना कम से कम आठ बजे तक तो चलेगी अपनी इस क्वेश्चन का आंसर दो तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सोडियम ऑप्शन रेशियो फॉर हाई सोडियम वाटर कितनी होनी चाहिए ठीक है हाँ सी ऑप्शन सही है बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है चलो बढ़िया इसको बताओ जरा इसको बताओ इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है सोडियम और ऑप्शन रेशियो निकालना है यहाँ पे है ना कैसे निकलेगा बताओ कितना आ रहा है इसमें फॉर्मूला तो पता ही है हम लोग को सोडियम ऑप्शन रेशियो निकालना है ना इसमें वैल्यू ऑफ ऐसे आ रहा सोडियम का कंसेंट्रेशन मैग्नीशियम का कंसेंट्रेशन अपॉन टू रख दो सब निकल के आ जाएगा डायरेक्ट बताओ भाई हाँ वही पीपीएम पी एम मिली को मालूम उसमें कोई तो टेंशन नहीं जो यूनिट्स रखी हैं सीधे रखो कितनी वैल्यू आई सॉल्व करने एग्जैक्ट जो यूनिट्स हैं वही रखो जो यूनिट्स हैं वही रखो बाकी कोई दिक्कत नहीं है चलो भाई ठीक अच्छा ऑप्शन नहीं आ रहा है कितना आ रहा है इसमें इन्होंने पी, -पी में दे रखा है ना कुछ लग रहा है चेंज वेंज करना पड़ेगा इसमें कितना आ रहा है इसको बताओ तीन सौ पैंतालीस रख के मिलीग्राम पर लीटर में है यार इक्वलेंट करना पड़ेगा सही कह रहे हो चेंज करना पड़ेगा देखो इसको चेंज करना वैसे बहुत आसान है अगर हमको इक्वलेंट में कन्वर्ट करना है ना इसको मिलीग्राम को मिली इक्वलेंट में कन्वर्ट करना है पी में दिया हुआ है और हम लोग को मिली इक्वलेंट रखने पड़ते हैं चलो जो बताते हैं वो करो फिर सोडियम का वेट कितना रहेगा यार ये तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा फिर कैल्शियम का वेट यहाँ पे कितना रहता है कैल्शियम का वेट कितना रहता है फोर्टी रहता है हमारे हिसाब से मैग्नीशियम का हमारे हिसाब से चौबीस रहता है जहाँ तक हमें लग रहा है और सोडियम का लगभग लगभग तेईस तेईस रहता है वेट है ना तो इनके वेट से इनको डिवाइड करना पड़ेगा और बैलेंसिस डिवाइड करना पड़ेगा तीन मिलीग्राम पर लीटर है ये अच्छा इतना रखने से कितना आ रहा है चलो इतने रखने से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना और देखा जाए फिर अब तो अब सर देखिए लोग क्या करेंगे सोडियम कंसनट्रेशन जैसे तीन है तो उसके उसके वेट से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो सोडियम की जगह जरा इस, इसको करो डिवाइड कितना आ रहा है साढ़े हाँ कैल्शियम वैसे साढ़े तेईस रहता है लेकिन लगभग तुम चलो साढ़े तेईस जो भी लगे ऐसे फिफ्टी फाइव आ रहा है ना चलो वैसे दस हज़ार है ना चलो बढ़िया है तो सोडियम का साढ़े तेईस ले लें चलो सोडियम का साढ़े तेईस लेते हैं तो तीन सौ पैंतालीस डिवाइड तेईस हमारा पंद्रह हो गया लगभग मतलब सोडियम का हो गया सर मिली इक्वलेंट पर लीटर देखिए ये मिलीग्राम था इसको हमने वेट से डिवाइड किया तो मिली इक्वलेंट पर लीटर में आ गया इक्वलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे वजन को इक्वलेंट वेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिली मिलीक्वलेंट में मिल जाता तो ये सोडियम कंसनट्रेशन हो गया है ना कैल्शियम का अगर साथ देखें हम तो कैल्शियम में सर क्या है साठ बटे आप देखिए सर साठ बटे कैल्शियम का वेट कितना है यार अपना कैल्शियम का वेट अपना हो गया है चालीस लेकिन चालीस को दो से डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसकी दो बैलेंसी है तो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो बीस हो जाएगा तो इसको बीस से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा तीन और कौन है तीसरा मैग्नीशियम मैग्नीशियम का अगर निकालेंगे तो मैग्नीशियम का सर कितना वेट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है अट्ठारह और मैग्नीशियम का वेट हमारा रहता है चौबीस इसको दो से एड कर देंगे क्योंकि इसकी वैलेंस भी दो है तो ये बारह हो जाएगा तो अट्ठारह को बारह से एड कर देंगे हो जाएगा डेढ़ अब चलो यूनिट सही हो गई सारी हमारी तो अब रख दो ज़रा पंद्रह बटे पंद्रह बटे तीन प्लस डेढ़ बाय दो कितना आ जाएगा ये पंद्रह प्लस तीन कितना आ रहा है बताओ तीन प्लस डेढ़ बाय दो का अंडर रूट और दस आ रहा है हाँ पंद्रह बटे डेढ़ जो है दस दस आ रहा है ये है कि नहीं हाँ ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है इस क्वेश्चन का गेट का लेवल हो गया है देखो तुम्हें वैसे हम बता देते हैं हुआ क्या है बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा देखो मिली ग्राम को हमें मिली इक्वलिन में कन्वर्ट करना है तो जो भी इसका मोलिकुलर वेट होता है उससे डिवाइड करना है बस पर यूनिट इलेक्ट्रॉन तो इसका तेईस होता है इसके वजह से डिवाइड किया तो मिली मिलीक्विन में हो गया कैल्शियम का जो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो वेट होता है वो बीस होता है और मिली मैग्नीशियम का बारह होता है बस तो हमने उसको मिलीग्राम को मिली में कन्वर्ट किया बस ठीक है हाँ केमिस्ट्री में जिनको दिक्कत है वहाँ पता है प्रॉब्लम हो गई होगी लेकिन एक बात यहाँ पे यह है कि सिर्फ कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम ही रहेगा तो तुम याद कर लो किससे रूप ऐड करना है सोडियम में तेईस भी करना है कैल्शियम में बीस से एड करना है मैग्नीशियम में बारह से ऐड करना है इसको याद कर लो काम खत्म है ना तरीका यहाँ पर यह है कि जिनको केमिस्ट्री मालूम नहीं भी आती है क्वेश्चन आसान इसलिए क्योंकि सोडियम मैगनीशियम मैग्नीशियम ही हमेशा रहेगा तो उससे हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं है कि नहीं चलो एक ही बताओ हमेशा वही रहेगा हाँ पच्चीस डिग्री सेल्सियस ये ढाई सौ नहीं है पच्चीस डिग्री है ये डिग्री ऊपर लगाओ बताओ जरा इसके बारे में थोड़ा बताओ हाँ पीपीएम को हमने कन्वर्ट कर दिया पीपीएम मतलब मिलीग्राम पर लीटर को हमने मिली इक्वलेंट पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है चलो इसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन मीडियम सेलिनिटी वाटर ये मीडियम सैलिनिटी वाटर हो जाएगा लो का सर क्या होता है जीरो से ढाई सौ इसका ढाई सौ से साढ़े सात सौ और इसका सर हो जाएगा साढ़े सात सौ से बाईस सौ पचास और इसका हो जाएगा 2250 से ज़्यादा माइक्रोमो पर सेंटीमीटर यूनिट होती है तो ये सब आपने ऑलरेडी बता रखा है चलिए सर तो ये सब में पूरा कंसेप्ट क्लियर है कहीं कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया से देख लिया जाएगा अब बात कर लेते हैं सर हम लोग कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क की कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क्स सर चलिए देख लीजिए तो उनको हमने दो टाइप के हेडवर्क्स बताए थे स्टोरेज और डाइवर्जन स्टोरेज में क्या था कि सर हम लोग पानी स्टोर करते हैं और फिर नदी मोड़ते हैं पानी को पहले डैम के पीछे स्टोर करते हैं और फिर सर उसको डाइवर्ट करते हैं कैनाल में ठीक है पानी स्टोर करते हैं नदी के पीछे डैम के पीछे और फिर उसको डाइवर्ट करते हैं कैनाल में और डाइवर्जन में सिर्फ हम लोग हल्की सी पॉन्डिंग करते हैं पानी का जल स्तर थोड़ा बढ़ाते हैं वियर बैराज बना के और फिर उसको डाइवर्ट करते हैं कितने लोगों को बाद याद आ रही है जो उनको बताई थी कैनाल डाइवर्जन जरा देख लीजिए है ना कितने लोगों को याद है बात बताओ है ना तो दो तरह के डाइवर्ट हेडवर्कस हमारे होते हैं इनको तुम समझ सकते हो यहाँ पे बेसिकली स्टोरेज में हमारा डैम हम लोग यूज करते हैं। तो तुमको हमने बताया था डायवर में सब लोग कैनल यूज़ करते हैं ठीक है तो बेसिकली हमको अभी आज हमको सिर्फ डायवर्जन हेडवर्क पढ़ना है डैम के बारे में ज्यादा बातें नहीं करने वाले है हम लोग डैम तुमको हमने वैसे हाइड्रोलॉजी बताया तो था याद आ रहा होगा सभी को अब डाइवर्जन हेडवर्क का मेन काम क्या है कि बेसिकली अगर हम एक वीअर या बैराज बना देंगे तो पानी जो कैनाल में जा रहा है उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अच्छे से पानी भेज सकते हैं सिल्ड को रोक सकते हैं ये सारे फायदे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और छोटा मोटा पानी सर यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं जिसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं ठीक है ये देख सकते हो बता सकते हो कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है दीवार एक छोटी सी बना दी गई है एक छोटी सी दीवार यहाँ बना दी गई है जिसमें पानी पीछे बढ़ गया है बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है और ये पानी इधर हमारा डाइवर्ट कर लिया जाएगा कोई बता सकता है इसका नाम क्या है ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है इसको क्या बोलेंगे वियर बोलेंगे क्या बोलेंगे वियर तो ये डायवर्जन हेडवर्क ये तुमको पहले बता चुके हैं ये पहले बताया गया तुमको ठीक है ये हमारा वियर है ठीक है अच्छा ये क्या बना है सर ये भी तुम लोग कहीं बैराज तो देखे होंगे ये जो गेट्स लगे हुए हैं सर ये हमारा क्या ये बैराज बना है ये बैराज है अगर हम एक दीवार बना देते तो वियर है और अगर हम उसमें आ, कायदे से प्रॉपरली गेट्स वगैरह लगा के पानी को डाइवर्ट करते हैं तो वो हमारा बैराज हो जाएगा ठीक है वो हमारा बैराज हो जाएगा तो जैसे देख सकते हो तो तुम्हारा बढ़िया बैराज के ऊपर रोड भी बनी रहती है बढ़िया से घूम घूमने घामने का सिस्टम भी रहता है वियर और बराज की अगर हम बात करें तो डिफरेंस यहाँ पर तो काफ़ी देखने को मिलता है वियर की कॉस्ट कम है लेकिन हम लोग पानी को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते तुम बताओ पानी को अगर अच्छे से कंट्रोल करना है तो गेट्स अपने बढ़िया है सर गेट्स आप खोल लीजिए बंद कर लीजिए जिस लेवल पर ले जाना चाहते हैं उस लेवल पर ले जाइए तो अच्छा पानी का कंट्रोल कैसे मिलता है तुम बताओ सोच कर दो दिमाग से वियर में कि बैराज में अच्छा पानी कंट्रोल कैसे मिलेगा बताओ ये डिफरेंसेस जरा समझो समझने की कोशिश करो ये डिफरेंसेस सारे but all. कोई बात नहीं हाँ बैराज में कंट्रोल में अच्छा देखने मिलता है लेकिन कॉस्टली भी है ठीक है यहाँ पे कॉस्टली भी देखने को मिलता है गेट से पौंडिंग करते हैं और यहाँ पे दीवार बना के क्रेस्ट को रेस करके पाउडिंग करते हैं ठीक है थीके? इनकी हाइट जनरली कम रहती है और यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े गेट्स भी बनते हैं तो बैराज थोड़ा सा बेटर रहता है ऑब्वियसली नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है कि बैराज हमारा बेटर रहता है और अंडर स्लूस छोड़ो यहाँ पे ज़रा चलो देख लो अभी सब समझ में आ जाएगा तुमको ठीक है देखो हम लोग क्या है ना एक कंसेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा पूरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट ही कंसेप्ट है यहाँ पे वो पूरा समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से देखना इस डायग्राम को ठीक है ये डायग्राम हम लोग ऊपर से देख रहे हैं आप देखते हैं जरा इस डायग्राम को बहुत बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट डायग्राम है सर ये हमारा नदी का अपस्ट्रीम है अब सुनो ध्यान से सर देखिए ये नदी को हम लोग देख रहे हैं ठीक है ये आपका नदी का सर अपस्ट्रीम है ये आपका नदी का अपस्ट्रीम है ठीक है ये सर नदी का क्या है सर अपस्ट्रीम है तो पानी सर इधर से आएगा ठीक है पानी सर नदी का अपस्ट्रीम पानी इधर से आएगा हमने बना दी सर यहाँ पे बैराज या वियर जो हम चाहे वो बना सकते हैं यहाँ पे लगा दिया अब आप ये समझिए जिस तरफ हम कैनाल बना रहे हैं जिस तरफ मान लीजिए पूरा सौ मीटर चौड़ा है तो इधर मान लो पूरा सत्तर अस्सी मीटर छोड़ दिया और इधर बीस मीटर जगह लेंगे और बीच में एक डिवाइड वॉल बनाएंगे इस वॉल का नाम बताओ बेटा देखो हमको सात आठ पार्ट जानने हैं सब एक एक करके समझते हैं सबसे पहला जो मेन चीज है कि हम लोग नदी के फ्लो में हम बनाते हैं वियर या बैराज कमेंट करो सब लोग क्या बनाते हैं बेटा नदी के फ्लो में हम लोग नदी के फ्लो में बनाते हैं बेटा क्या हम लोग वियर या बैराज पहली चीज ये बन गया वियर या बैराज है ना कोई दिक्कत नहीं समझ में आ गया दूसरी चीज जिस तरफ से हमको कैनाल निकालनी होती है उस तरफ उसकी उस तरफ ज्यादा आप कह सकते हैं हम लोग बनाते हैं एक वॉल डिवाइड वॉल क्या बनाते हैं सब लोग कमेंट करो क्या बनाते हैं पहला तो चलिए बैराज बन गया दूसरी चीज़ हम लोग जिस तरफ कैनाल निकाली उसी तरफ हम बनाएंगे एक लंबी डिवाइड वॉल जो अपस्ट्रीम में ज़्यादा जारी होगी डाउनस्ट्रीम में थोड़ी कम निकली होगी ठीक है बनाएंगे डिवाइड वॉल अच्छा डिवाइड वॉल किसको डिवाइड कर रही है सर ये बताइए डिवाइड वॉल किसको डिवाइड कर रही है हमको ये नहीं समझ में आ रहा ये तो चलिए वीर बैराज हमको समझ में आ गया इसका मेन काम है पीछे पौंडिंग करना और जो पानी सर एक्स्ट्रा आएगा वो कैनाल में चला जाएगा ठीक है जो पानी सर यहाँ एक्स्ट्रा जमा होगा वो कैनाल में अपना चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ये डिवाइड रोल पता है क्या डिवाइड करती है कि नदी में जो मेन पानी आ रहा है चलो तेजी से आए और ना वियर से या बैराज से निकल जाए लेकिन इधर इधर जो जगह बनी है हम ये डिवाइड रोल इसलिए यहाँ बनाते हैं ताकि इस एरिया में थोड़ा सन्नाटा हो जाए पानी थोड़ा स्लो हो जाए ये जो हमारा अप्रोच चैनल है आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अप्रोच चैनल क्योंकि पानी यहाँ आके कैनाल में मुड़ता है पानी यहाँ आके कैनाल में मुड़ता है बात समझो ज़रा ध्यान से तो ये जो अप्रोच चैनल है यहां पे हमने अगर डिवाइड वॉल बना दी तो पानी थोड़ा सा शांत हो जाता है पानी थोड़ा सा ठहराव में आ जाएगा अच्छा बताओ जब पानी थोड़ा स्लो हो जाएगा तो सारी मिट्टी नीचे बैठेगी कि नहीं बैठेगी गैस करो क्या सारी मिट्टी नीचे बैठेगी नहीं बैठेगी बताओ यस और नो बिल्कुल सही बात है सर आप ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे डिवाइड वॉल के होने के कारण मेन आपका डिवाइड वॉल क्या करता है डिवाइड वॉल आपका जो मेन वियर या बैराज है उसको हटाता है प्रॉपर और इधर आप इस दीवार के नीचे देखेंगे कि नीचे आपने इस दीवार के नीचे छोटे छोटे ओपनिंग्स दे रखी हैं जिससे नीचे पानी निकलता है ठीक है वो अपने कंट्रोल में है उसको हम बंद भी रख सकते हैं खुला भी रख सकते हैं ठीक है तो अब सर अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरफ पानी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा पानी स्लो होने के कारण सर यहाँ पे सिल्टिंग होगी और नीचे इस बेड पे लगा होगा सिल्ट एक्सक्लूडर कमेंट करो क्या लगा होगा सर नीचे तो देखिए सर क्या है हम डिवाइड ऑल समझ गए इधर हमारा अप्रोच चैनल हो गया सर इधर हमारा अप्रोच चैनल हो गया ये पूरा ठीक है अप्रोच चैनल जहाँ पे है वहाँ पे नीचे लगा होता है सर सिल्ट एक्सक्लूडर ये चलिए सर अपना अप्रोच चैनल हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़िया है सर ये अपना अप्रोच चैनल है ठीक है अच्छा सिल्ट क्योंकि यहाँ पे नीचे बैठेगी तो वो सिल्ट निकले कैसे उसके लिए यहाँ नीचे देखो रास्ते बनाए गए ये नीचे की तरफ है और तुम समझो इधर की जो ज़मीन है और इधर की जो ज़मीन है इधर की ज़मीन थोड़ी नीचे है है ना इधर हमारे नीचे जो हैं इनको बोलते हैं अंडर स्लूस अंडर मतलब नीचे स्लूस मतलब छोटी छोटी ओपनिंग्स या गेट्स है ना तो सिल्ट एक्सक्लूडर जितनी मिट्टी बैठती है वो सारी मिट्टी मिट्टी या नीचे से पूरा एकदम सा पानी निकलता है और वो पानी के साथ मिट्टी सारी बाहर आ जाती है और नतीजा ये होता है कि केनाल में साफ पानी चला जाता है ठीक है तो यहां पे बेड बना रहता है सिल्ट एक्सक्लूडर क्या बना रहता है सिल्ट एक्सक्लूडर जिसका काम है सारी सिल्ट को अपने पास इकट्ठा करना पैदल टनल्स होती है नीचे नीचे ऐसे टनल्स बनी रहती हैं ऐसे करके जिसमें सर मिट्टी बैठ जाती है है ना और जब पानी सर नीचे, हम लोग हम लोग जैसे नीचे दरवाजे ये, ये स्लूसिस खोलते हैं तुरंत सर वो मिट्टी बह एक के एकदम से आगे आ जाती है ठीक है तो सिल्ट एक्सलूट जो सिल्ट इकट्टी होती है वो नदी में आगे कैसे बढ़ती है विद द हेल्प ऑफ या अंडर स्लूसे? कमेंट करो स्लूस या अंडर स्लूस? स्लूस या अंडर स्लूस का काम क्या है कमेंट करो जो सिल्ट डिपॉजिट हुई है उसको आगे भगाना जो सिल्ट यहां डिपॉजिट हुई थी नीचे उसको आगे भगाने का काम है ना नीचे क्यों देते हैं क्योंकि सिल्ट नीचे ही बैठती है सिल्ट भारी होती है थोड़ा सा पानी ठहराव में आएगा तो सारी सिल्ट बैठने लगेगी है ना समझ में आ गया कि नहीं अंडर स्लूस बोल सकते हैं या स्लूस। तो सिल्ट ने सिल्ट ने को बैठाया और अपने पास इकट्ठा किया और इधर जब पामने दरवाजे जैसे ये दरवाजे खोल देंगे नीचे से तुरंत सिल्ट जो है एकदम मिट्टी सा पानी तुमको आगे निकलता है वो दिखाई देगा और साफ पानी केनाल में चला जाएगा अच्छा कैनाल का सर ये जो कह सकते हैं यहाँ पे अच्छा देखो नदी में तो चलिए आपने गेट्स बना दिए कैनाल में भी गेट्स होते हैं कैनाल में भी गेट्स होते हैं कैनाल में जो गेट्स होते हैं उसको बोलते हैं हेड रेगुलेटर ठीक है कैनाल में जो बना रहता है अपना स्ट्रक्चर शुरू में इसको बोलते हैं कैनाल का हेड कैनाल की खोपड़ी हेड रेगुलेटर का काम क्या है कि कितना पानी मैं कैनाल में भेजूँ कितना सिल्ट मैं कैनाल में भेजूँ वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कैनाल में कितना पानी जाएगा वो मैं कैनाल हेड रेगुलेटर से रेगुलेट कर सकता हूँ सिंपल सी बात है केनाल के, के हेड पे यहाँ गेट बने तो हम दो दरवाजे खोले तो उतना पानी जाएगा चार खोले तो उतना जाएगा है कि नहीं है कि नहीं बताओ ठीक है है ना इसको ओपन करते हैं लेबर वेबर लगा के दरवा ऊपर वो बना रहता है बैरल बने रहते हैं उसको घुमाते हैं तो गेट ऊपर रहता है और इधर घुमाएंगे तो नीचे चला जाता है, है ना और कभी कभी जो बड़े बहुत भारी गेट होते हैं तो उसमें मैकेनिकल मशीन्स लगी होती है मोटर वगैरह लगती है मैकेनिकल के जेई वगैरह होते हैं जो उसको ऑपरेट वगैरह करते हैं ना सबने देखे हुए हैं चलो तो ये हमारा हेड रेगुलेटर हो जाएगा अच्छा और बताइए सर अच्छा एक चीज़ और है अच्छा तुम बताओ पानी के लेवल ज्यादा कहाँ होगा अपस्ट्रीम में कि डाउन स्ट्रीम में पानी का लेवल लेवल ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है तुम बताओ पानी के लेवल ज्यादा कहाँ है पानी के लेवल ज्यादा कहाँ है तुम गैस करके बताओ वियर के पीछे कि वियर के आगे सब लोग बता सकते हैं बहुत आसान सी चीज़ है तो पानी का लेवल जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे अपस्ट्रीम साइड में अपस्ट्रीम साइड में ठीक है हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं बेटा क्यों नहीं कर सकते हैं कैनाल में जो पानी ज्यादा ड्रिंकिंग परपज यूज़ करते डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे ऑब्वियसली उसको वाटर ट्रीट करके इस्तेमाल करेंगे ठीक है हाँ अपस्ट्रीम में ज़्यादा है अब मान लीजिए सर कोई मछली जब ठंड पड़ने लगती है तो मछली धीमे धीमे डाउन की तरफ आ जाती है मछली धीमे धीमे डाउन स्ट्रीम तरफ आती है लेकिन जब मान लीजिए उस मछली को वापस ऊपर जाना है अपस्ट्रीम में है ना अगर मान लीजिए उस मछली को वापस अपस्ट्रीम में जाना है तो यहाँ तो पानी के बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा आप खुद सोचिए कम से कम दस दस फीट का गैप आ जाएगा तो मछली ऊपर कूद के नहीं आ सकती तो मछली के लिए एक रास्ता बनाया जाता है एक सीढ़ी बनाई जाती है मछली ऐसे ऐसे घूम घूम के इधर से ऐसे निकल जाती है ठीक है धीमे धीमे करके वो स्टेयर ये चढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं फिश लैडर मछली को अगर डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम से अपस्ट्रीम में जाना है अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आना है तो उसके लिए एक रास्ता छोड़ा गया है जिससे धीमे धीमे वो चढ़ चढ़ के आगे बढ़ सकती है उसको बोलते हैं फिश लैडर ठीक है क्या बोलते हैं फिश लैडर बस ये सब एक ब्रीडिंग फिनमिना है तो ये तुम समझ सकते हो बाकी जो अंडर स्लूस होते हैं सर ये जो आपके अंडर स्लूस थे जो सिल्ट को बाहर निकाल रहे थे इनके बारे में देखिए कन्फ्यूजन पढ़ लीजिए कैनाल में जितना पानी जाता है उसका डबल पानी इन इनके थ्रू जा सकता है जाड़े में जब नदी में डिस्चार्ज कम रहता है तो वो भी इसमें आराम से पास हो सके और मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज जो पूरी नदी में आता है उसका 10 से 15 परसेंट डिस्चार्ज ये अंडर स्लूस आराम से पास कर सकते हैं इस तरह से बना है ना इस तरह से हम लोग को बनाना पड़ता है ठीक है बात समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है बिल्कुल भाई कॉन्सेप्ट ही हम लोग करना है क्लियर ठीक है जब एक्चुअली देखो कोई भी प्रॉब्लम क्या है ये मछलियाँ जितनी हैं जब जाड़ा पड़ता है तो ये मछलियाँ जाती हैं नीचे की साइड ठीक है फिर जब धीमे धीमे वापस से मौसम सही लगता है तो इन मछलियों को वापस ऊपर जाना होता है अंडे वंडे देने के लिए ब्रीडिंग प्रोसेस रहता है पूरा तो वापस जाने के लिए सर रास्ता बनाना पड़ेगा ठीक है वरना ये चढ़ नहीं पाएंगी ठीक है चलो तो ये तुमको बात समझ में आ गई होगी अच्छा सिल्ट एक्सक्लूडर कहाँ रखते हैं हम तुमसे अगर एक सवाल पूछें कि सिल्ट एक्सक्लूडर एक सवाल का जवाब दो एग्जाम पूछा जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर रिवर बेड पे रहते हैं ये रिवर का बेड है या कैनाल के बेड पे रहते हैं बताओ कमेंट कर दो सिल्ट एक्सक्लूडर के जिसकी आपने बात करी वो कहाँ लगे रहते हैं कमेंट करो वो कहां लगे रहते हैं हाँ ये हमारे रिवर बेड पे रहते हैं बिल्कुल याद रखना देखो कन्फ्यूज़ मत होना ठीक है बिल्कुल सही रिवर बेड पे रहते हैं अच्छा सर ये बताइए चलिए आपने सही बोला यहाँ पे सिल्ड डस्कलूडर लगे रहते हैं ठीक है सिल्ड एक्सलूडर लगे हैं जो इसका पानी सर इसमें चला जाएगा बढ़िया से ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं ये रिवर बेड पर है लेकिन यार बताओ कुछ ना कुछ तो सिल्ट कैनाल में चली जाएगी तो उस कैनाल में जब चली जाती है सिल्ट तो सौ दो सौ मीटर आगे सौ दो सौ चार सौ मीटर आगे हम लोग लगाते हैं सिल्ट इजेक्टर कैनाल बेड पे सिल्ट इजेक्टर कहाँ रहेगा सब लोग कमेंट करो अब जो सिल्ट कैनाल में चली गई है उसको हटाने के लिए हम लोग बनाते हैं सिल्ड इजेक्टर कैनाल बेड पर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर ही बोलते हैं ये ये भी हमारी सिल्ट रिमूविंग डिवाइस है ठीक है तुम लोग अगर रुड़की कभी घूमने जाओ और हरिद्वार से रुड़की तक घूमने आओगे जब तो तुम्हें रास्ते में सारे तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे जाएंगे सिल्ट इजेक्टर भी दिख जाएगा सिल्ट एक्सक्लूडर भी दिख जाएगा सब कुछ दिखाई देगा सुपर पैसेज साइफन सब कैनाल एक्विडर्ट सब दिखाई देगा हाँ ठीक है जो भी कैनाल में चली जाती है सिल्ड देखो लिखा हुआ है ये वो डिवाइस है जो उस सिल्ड को एक्सट्रैक्ट करती है जो पानी आ, सिल्ड लिया है कैनाल के साथ ठीक है जो सिल्ड हमारी कैनाल के साथ चली आई है जो सिल्ड हमारी कैनाल के साथ चली आई है बढ़िया से ठीक है तो ये तुमको बात समझ में आ गई होगी अच्छा थोड़े बहुत स्ट्रक्चर इसमें एक आध रह गए हैं वो तुमको बता देते हैं अब सर क्या है कि जब पानी फ्लो करा के लाना होता है और हमको केनाल में मोड़ना होता है तो उस समय हम लोग हमेशा नदी में क्या करते हैं ना नदी का सर सिस्टम क्या है नदी का एक कंसेप्ट यह है कि नदी ऐसे मैंडर करने लगती है कितने लोग ये बात जानते हैं कि नदी ऐसे घूमने लगती है नदी ऐसे घूमने लगती है तो अगर हमने यहाँ पर नदी के किनारों को पक्का नहीं किया नदी किनारों को पक्का नहीं किया और हमने वियर बना दिया तो पता चला आज नदी सीधे जा रही है कुछ टाइम बाद सर घूमी कुछ टाइम बाद सर और घूमी और पता नदी यहाँ से पानी जाने लगेगा बताइए मजाक हो जाएगा अपने आप में वियर यहीं का यहीं रह जाएगा पानी सर वहाँ से जाने लगेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर हम सर वियर बना रहे हैं ये तो सबको पता है ना नदी मे एंडर करती हैं कितने लोग बात ये जानते हैं तो है ना नदी कितने डिस्टेंस में 200, 300, 400 मीटर ऐसा मान लो बस हमने जो देख रखे हैं वो चार चार सौ मीटर नीचे रहे हैं ठीक है लगभग ओखला बैराज हमने देखा है और ये यहाँ देखा था तो लगभग दो दो सौ से दो सौ से ले लेके पाँच सौ मीटर तक तो मान सकते हो ठीक है हाँ आप क्या बता रहे थे सर कि नदी क्योंकि ना उड़े तो इसलिए हम लोग नदी के जो कोने किनारे हैं जो तट हैं उसको मजबूत कर देते हैं उनमें निर्माण कर देते हैं उनका कह सकते हैं उनको पक्का कर देते हैं ठीक है और फिर कभी कभी जब पानी बहुत बढ़ता है तो उसके लिए हम मार्जिनल बंड बना रखे हैं देखो बड़े बंधे बना रखे हैं जिससे पानी पूरा अंदर डाइवर्ट आके हो जाए है ना तो ये जो आपने गाइड बैंक्स और मार्जिनल बंड बनाए हैं इनका मेन काम है कि पानी इधर उधर तो ना भागे और सीधा वियर की तरफ आए मार्जिनल बंड और गाइड बैंक का मेन काम सर ये है मुख्य रूप से कि तट कभी आपका कटे नहीं और पानी आपका ज़्यादा अगर हो भी रहा है तो हमेशा आप ये कह सकते हैं कि पानी आपका वियर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा है कि नहीं मे कोई एडी बोलते नहीं बेटा मेडर तो उतर नदी का जिगजैग हो जाना नदी जो सिक्जैक सांप की तरह घूमना शुरू कर देती है प्लेन में आके इसको मियाड्रिंग बोलते हैं ठीक है ठीक तो बताओ सारे कंपोनेंट ऑफ कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क समझ में आ गया कैनाल हेडवर्क जहाँ से निकलता है वहाँ पे क्या हम लोग को नदी बनाना पड़ता है सब कुछ समझ में आया बताओ बढ़िया तरीके से सब कंसेप्ट क्लियर हो गए यहाँ पे ठीक है अब अगर तुम इसमें थोड़ा क्रॉस सेक्शन देखो जैसे मान लीजिए सर हमने यहाँ पे इस वियर को ऐसे कट कर दिया तो अगर हम इसको ऐसे कट कर देते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा ये पहले दीवार देखो ऐसी बनी रहेगी ये देखिए सर एक दीवार से ऐसी बनी रहेगी पीछे सर आपका देखिए पानी भरा हुआ बहुत अच्छी तरीके से ज़मीन एकदम पक्की की गई है आगे भी पीछे भी है ना और बढ़िया ब्लॉक प्रोटेक्शन पत्थर लगाए गए हैं लॉन्चिंग एप्रन लगाए गए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए ठीक है कटान उटाना हो ये अपस्ट्रीम एक पाइल लगाई जाती है एक डाउन स्ट्रीम पाइल लगाई जाती है या इन्वर्टेड फिल्टर लगाया जाता है तो ये सब हमको एक वियर में देखने को मिलता है ये वियर का क्रॉस सेक्शन है हाँ अगर अपस्ट्रीम साइड में फ्लड लेवल बढ़ जाएगा तो कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग इधर से गेट्स खोल देंगे स्लूज खोल देंगे ताकि सारा पानी देखो एक बात समझो बहुत अच्छा तुमने सवाल पूछा यार कंसेप्ट सिंपल सा यहाँ पे ये है कि अगर सर हमें पानी को कंट्रोल करना है नदी में पानी अगर बहुत ज़्यादा है तो आप इधर के गेट खोल के पानी को नीचे जाने दीजिए कैनाल में हमेशा सेम पानी जाएगा नदी में पानी ज़्यादा तो आप नदी पानी नीचे जाने दीजिए और अगर आपको कैना में ज़्यादा मान लीजिए नदी में पानी कम है तो सारे गेट बंद करिए और सारा पानी केनाल में मोड़ दीजिए तो यही तो रेगुलेटर का मतलब क्या है पानी को रेगुलेट करना नदी में पानी ज़्यादा है तो आप कैनाल में थोड़ा पानी भेजिए और बचा हुआ पानी सर इधर भेज दीजिए गेट हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं तो बैराज में यही फ़ायदा मिलता है कि नहीं एलेक्स बताओ और अगर हमें लगता है कि भाई पानी बहुत कम है तो सारे गेट बंद करो बैराज के और सारा पानी केनाल में मोड़ दो इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है ठीक है ये बेसिकली रेगुलेशन है ये बेसिकली कैनाल का रेगुलेशन है ठीक है तो यही है पानी जब बढ़ता है तो हम लोग सारा पानी नदी में डाउन में जाने लगते हैं कैनाल में कम पानी जाने देते हैं ठीक है और जब बाढ़ वगैरह आती है तो सिल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सिल्ट का डिपोजिशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर ठीक है चलिए सर तो ये हमारा कह सकते हैं ये हमारा वियर है ये तुम्हारा वियर है जो तुमको यहाँ देखने को मिल रहा है बढ़िया से ठीक है कोई हो सकता है इस इनवर्टेड फिल्टर काम क्या है इन्वर्टेड फिल्टर देखिए फिल्टर तो होता है सर जैसे सीधा होता है इसमें पानी ऊपर से नीचे जाता है बेसिक इसमें सर क्या होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा पानी भरा होता है समझने की कोशिश करना और नीचे मान लो मिट्टी है पूरी मिट्टी के ऊपर सही पूरा बना है तो पानी सर यहाँ से रिस रिस के धीमे धीमे सर आगे जाने की कोशिश करता है क्यों क्योंकि इधर ज़्यादा पानी इधर कम पानी है पानी हमेशा ज़्यादा से कम की ओर जाने की कोशिश करता है तो नीचे क्योंकि परिवल फाउंडेशन है परिवल मतलब इससे पानी पास हो सकता है तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है सर कि हमारी जो पानी है वो धीमे 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 इस तरह से पास होकर यहाँ से रास्ता बना के लीक होकर बाहर आना शुरू हो जाता है बात समझ रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं सीपेज सब लोग कमेंट करेंगे अगर सीपेज बहुत ज्यादा हो गया और मान लीजिए यहाँ से मिट्टी उट्टी निकल के बाहर न लगी तो मिट्टी अगर यहाँ से बाहर लगी तो यहाँ पर एक पाइप बन जाएगी नीचे पाइपिंग हो जाएगी है ना क्या हो जाएगी बेटा पाइपिंग या अंडर बोलते हैं अब इस पाइपिंग या अंडर से बचने के लिए होता क्या सर पानी फोर्स लगाएगा धीमे 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 पानी आगे बढ़ेगा रिस रिस्क के तो पानी जब आगे बढ़ेगा सर यहाँ पे तो आप समझने की कोशिश करिए सर कि अपने साथ मिट्टी को यहाँ पे बाहर निकालने लगेगा तो मिट्टी धीमे धीमे बाहर निकलेगी तो यहाँ पे एक पाइप बनना शुरू हो जाएगा और अगर जिस दिन पाइप कंप्लीट हो गई सारा पानी दौड़ के एकदम आएगा और ये पूरा वियर आपका बिखर जाएगा एकदम है ना टूट जाएगा तो ये एक प्रॉब्लम है तो उस यहाँ से मिट्टी बाहर निकल के ना आए इसलिए यहाँ बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं ताकि उससे पानी तो निकलता रहे लेकिन मिट्टी बाहर ना आए इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ़िल्टर क्या बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड फ़िल्टर बोलते हैं ठीक है स्पिलवे तुम्हारा डैम के ऊपर होता है जिसमें से एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ता है है ना स्पिलवे हमारा डैम के ऊपर होता है जिससे हम लोग एक्स्ट्रा पानी को निकालते हैं ठीक है तो ये हो गया मामला इसको अच्छे समझ लेना तो इन्वर्टेड फिल्टर काम क्या है पानी नीचे से निकलता रहा ताकि हेड अब मान लो पानी नहीं निकल पाएगा अच्छे से हेड बिल्डअप हो गया तो एकदम से फटेगा कभी तो वो नहीं होना चाहिए ठीक है तो हमारी जो ये फ्लोर है सर और एक प्रॉब्लम और होती है जब पानी ऐसे रेस के नीचे जा रहा होता है तो पानी एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ पानी एक फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ जिसे हम लोग बोलते हैं अपलिफ्ट कितने लोग ये समझ सकते हैं बात पानी के सीपे से एक फोर्स लगता है इसको बोलते हैं अपलिफ्ट अपलिफ्ट अगर जरूरत से ज्यादा हो गई अपलिफ्ट प्रेशर अगर जरूरत से ज्यादा लग गया तो हमारी ये जो फ्लोर है ये उठ जाएगी हमारे फ्लोर का वजन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अपलिफ्ट को बैलेंस कर सके ठीक है सर आप क्या कह रहे हैं सर कि हमारा जो आपका ये सीपेज है इससे पानी का अपलिफ्ट लगता है और अपलिफ्ट से सर ये फ्लोर हमारी उठ जाएगी तो हमारी फ्लोर इतनी भारी रहनी चाहिए कि देखिए सर अगर हम इस वियर के फेलियर की बात करें आइए सर पहले वियर के फेलियर समझते हैं किस तरीके से हमारा ये वियर फेल कर सकता है ठीक है देखो बहुत सारे सिस्टम है यहाँ पे देखिए सर पहले फेलियर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग फेलियर uh, को समझ नहीं ये तो आपके देखिए वीर एम पार्ट हो गया ब्लॉक प्रोटेक्शन वाले पत्थर रखते हैं ताकि पानी कुछ बिगाड़ ना सके इन्वर्टेड फिल्टर देखते हैं ताकि आपका मिट्टी उखाड़ के ना निकल सके डाउनस्ट्रीम साइड से इम परवेस फ्लोर देते हैं भारी सी ताकि अपलिफ्ट से बच सके है ना अपलिफ्ट को रिड्यूस कर सके तो ये सब कुछ चीजें हैं लॉन्चिंग एपरियन देते हैं ये बैराज है हमारा ठीक है हाँ अब फेलियर देखिए फेलियर सर हमारी परम फाउंडेशन दो तरीके से हो सकते हैं या तो सरफेस फ्लो से या तो सब सरफेस फ्लो से हमने तुम्हें जो बताया पाइपिंग और अपलिफ्ट वाले वो पानी नीचे से जो निकाल के आ रहा है सब सरफेस फ्लो तो आइए देखा जाए तो जब पानी नीचे से निकल के आता है तो दो फेलियर निकलते हैं एक तो होता है सर आपका अंडर ठीक है एक आपका होता है सर अंडर पाइपिंग जो आपने हमको बताया इसमें क्या होता है कि जब मिट्टी निकलने लगती है तो धीमे धीमे सर हमारी कटान होने लगती है और मिट्टी बाहर आने लगेगी और एक उल्टी डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम सबस्ट्रीम की तरफ एक पाइप बन जाएगा जिस दिन वो पाइप कंप्लीट हो गया तुरंत प्रॉब्लम आ जाएगी ठीक है तो तोअर अपस्ट्रीम धीमे धीरे एक पाइप बनता है जिससे प्रॉब्लम होती है अब इस पाइपिंग से अगर आपको बचना है तो दो रस्ते हैं सर अपने पास आपने हमको पाइपिंग बताया रस्ते क्या है दो तो ये लंबाई जितनी आप बढ़ा दी उतना बढ़िया और डाउनस्ट्रीम पाइप पाइल जितनी लंबी कर दोगे पानी को बाहर आने में उतनी दिक्कत होगी है ना ठीक है ठीक है बेटा चलो तो बात समझ में आ रही है तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए सर ये पाइपिंग जो यहाँ पे पानी रिस रिस के धीमे 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 सर यहाँ से ऐसे आ रहा है अगर हमको इससे बचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये पूरी लेंथ फ्लोर की लेंथ बढ़ा सकते हैं अपस्ट्रीम पाइल लंबी कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम पाइल लंबी कर सकते हैं तो पानी का रास्ता लंबा होगा तो प्रॉब्लम होगी उसको बाहर निकलने में उसकी फोर्स क्या होगी कम हो जाएगी है ना यही लिखा हुआ है यहाँ पर तो हम लोग अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बड़ी बड़ी लंबी लंबी पाइल्स और फ्लोर की लेंथ को बढ़ा सकते हैं ठीक है जिससे हमारा यहाँ पे बचत हमको देखने को मिलेगी और पाइपिंग नहीं होगी दूसरा आपने प्रॉब्लम बताई अपलिफ्ट अपलिफ्ट अगर बहुत ज्यादा हो गई तो हमारा पूरा वीयर उठ सकता है पानी के कारण पानी जब भरता है तो ऑब्वियसली अपलिफ्ट बिल्कुल आ सकती है तो उससे बचने का तरीका क्या है कि आप एक तो फ्लोर की जो थिकनेस है उसको बढ़ाइए उसका वजन बढ़ाइए पहली चीज और दूसरा अपस्ट्रीम पाइल अच्छे से दीजिए अपस्ट्रीम पहले के सर आप एक बात समझ लीजिए जो अपस्ट्रीम में आपने एक शीट पाइल दी है अपस्ट्रीम पाइल का मेन काम होता है अपलिफ्ट को कम करना अपलिफ्ट कम करना है ना और जो डाउन स्ट्रीम पाइल होती है उसका मेन काम होता है पाइपिंग कम करना क्योंकि जो पाइपिंग होना शुरू होती है जो अंडर होना शुरू होती है वो उस तरफ से शुरू होती है तो हमारा जो पाइपिंग वाली प्रॉब्लम है वो उधर से कम होगी कुल मिला के पानी जो नीचे से रिस रिस के जा रहा है उससे दो समस्या आती है तुमसे एग्जाम पूछे कि पानी जो नीचे से सीपेज कर रहा है उससे किस तरीके से फेलियर हो सकता है तो तुम कौन से दो फेलियर बताओगे हो कमेंट करो ठीक है। बताओ जल्दी बताओ जब पानी नीचे से रिस रिस के धीमे धीमे सर आगे बढ़ेगा वियर के नीचे से जो मिट्टी है क्ले है जो भी है सिल्ट है तो उसमें क्या दो समस्याएं आएंगी सब लोग उन दो समस्याओं का नाम लिखो एग्जाम पूछा सकता है दो समस्याएं उसमें क्या आएंगी जल्दी बताओ हेड रेगुलेटर तुमको वापस आते कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्या तुमने कभी कैनाल के हेड स्टार्टिंग uh, में कहीं तुमने गेट्स देखे हैं कहीं पे वो गेट अगर हमने बंद कर दिया तो कैनाल में पानी नहीं जाएगा गेट खोल देंगे तो कैनाल में पानी जाएगा तो वो गेट बंद खोल करके हम पानी का रेगुलेशन करते हैं कैनाल जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हेड बोलते हैं देखो हेड सब का क्या मतलब है कैनाल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हेड बोल दिया और वहाँ पर हमने गेट्स लगा दिए गेट को बंद खोल करके हम पानी का रेगुलेशन करते हैं मान लो हमें केनाल में काम करवाना है हमें पानी नहीं चाहिए तो गेट बंद कर दिए वो पानी कहीं और मोड़ दिया नदी में जा रहा है, है कि नहीं हम्म hmm. ठीक है हाँ सॉइल में जैसे क्विकस सैंड कंडीशन होती है बिल्कुल सही कह रहे हो जो पाइपिंग वाली कंडीशन है वो एक तरह से वही है जिसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाता है और हमारा पानी है ना उसी टाइप की चीज़ है बिल्कुल उसमें बहुत सारी डिटेल्स सा है चलो अभी हम लोग क्रैश कोर्स चल रहा है तो उन थोड़ा हल्का हल्का बस आइडिया देते जा रहे हैं कि भाई कुछ भी मिस ना हो ठीक है अच्छा सर दूसरी चीज़ देखिए है।, है ना दूसरी चीज़ क्या देखिए सर अगर सरफेस फ्लो होता है सरफेस फ्लो में क्या होता है आपकी हाइड्रोलिक जंप बनती है उससे सक्शन आता है वो प्रॉब्लम करता है उससे फेलियर हो जाता है ठीक है तो इसमें सर एक कंसेप्ट आपको हम बताते हैं देखिए यहाँ पे ठीक है ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं है ठीक है क्योंकि हालांकि यहाँ लिखा हो तुमको बता देते हैं देखिए सर ये पानी है अगर हम पानी को ऊपर से फ्लो कराएं वियर के तो पानी जब वियर के ऊपर से फ्लो करेगा तो अचानक से यहाँ बनती है हाइड्रोलिक जंप हाइड्रोलिक जंप जानते हैं कितने लोगों ने हाइड्रोलिक जंप के बारे में सुना हुआ है स्काउरिंग मतलब मिट्टी के उखाड़ने को स्काउरिंग बोलते हैं पानी अचानक से आएगा तो बताओ मिट्टी को उखाड़ के ले जाएगा ना इसको स्काउरिंग बोलेंगे और बताओ हम्म चलो टेंशन मत लो यार देखो हम पढ़ा देंगे ठीक है बैच ए में शायद हमने नहीं पढ़ाया लेकिन मतलब बैच सी में या किसी बैच में पढ़ाया था यार हमको यहाँ तक तो याद आ रहा है ठीक है टेंशन मत लो कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है कंटेंट यहाँ से तुम देख सकते हो हर चीज़ ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है कोई डाउट है तो तुमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो ठीक है ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है चलिए सर तो ये हमारा हाइड्रोलिक जम्प अब जो हाइड्रोलिक जंप आती है तो अचानक से सर यहाँ पे एक सक्शन आता है और इस सक्शन वजह से सर यहाँ पे फ्लोर पे कह सकते हैं ये फ्लोर पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा जो कि अपने आप एक प्रॉब्लम है ठीक है तो हाइड्रोलिक जंप से भी सर यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है इससे हमारी जो फ्लोर है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं फिलहाल हम लोग को इतना नहीं जानना ठीक है तो ये आपका होता है जब पानी ऊपर से आता है सर्फेस फ़्लो तो सर्फेस फ्लो से हमारा जो स्टैंडिंग वे हाइड्रोलिक है उसका सेक्शन होता है तो इसमें हमको फ्लोर को और मजबूत करना पड़ता है और मोटा बनाना पड़ता है ठीक है और फ्लोर को वियर के साथ अच्छे से जोड़ना पड़ता है ताकि दिक्कत ना आए ठीक है तो बस यही है सेक्शन होता है यहाँ पे चलो तो बस इतना हम लोग जान गए कुल मिला के सर हमको सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गए उसके बाद कभी बाढ़ बढ़ आ गई ठीक है तो फ्लड्स जब बहुत ज़्यादा तरीके से आ जाते हैं पानी तो ऊपर से जो फ्लो होकर निकलेगा आगे तो भी सर उस समय स्कॉरिंग वगैरह हो सकती है मिट्टी उखड़ सकती है अपनी फ्लोर टूट सकती है ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं तो इन सब से बचने के लिए हम लोग लॉन्चिंग एपरेंट प्रोवाइड करते हैं ठीक है बहुत डिटेल वाली चीज़ें हैं ये सब ठीक है अब तीन चार फेलियर थ्योरीज़ हैं उनको ज़रा देख लेते हैं उनके नाम हम समझ लेते हैं हमारी जो वियर्स हैं समझना पड़ेगा सर पुराने जमाने की थ्योरीज हैं ये सब अब पता नहीं काम भी नहीं आती क्योंकि अब तो हर जगह बैराज लगता है सर देखिए वियर का जो फेलियर है वियर का जो फेलियर होता है ऑन परमेबल फाउंडेशन मतलब हमारी जो मिट्टी है उसमें से पानी अगर नीचे से पास हो सकता है तो हम उसको परमेबल बोलेंगे ठीक है और फाउंडेशन का मतलब सर क्या हो गया कि नीचे जो मिट्टी हमारी है नीचे जो मिट्टी है वो परमेबल है उसमें फाउंडेशन में आराम से सर उसको पास कर सकते हैं ठीक है तो वियर का फेलियर अगर हम यहाँ बात करें कैसे कैसे हो सकता है तो इसमें सर हमारी तीन थ्योरीज़ काम करती हैं। इसमें हमारी तीन थ्योरी काम करती है, है। बताइए कौन कौन सी सबसे पहली थ्योरी जो हमारी यहाँ पे काम करती है वो हमारी है ब्लिग्स क्रीप थ्योरी ठीक है अगर वियर के फेलियर को बचाना है सीपेज होते समय अगर अंडर जो पाइपिंग आपने बताई और जो अपलिफ्ट दो सौ बताई बताओ सीपेज से कौन सी दो सौ पहले वो बताओ बताओ हमको पीडीएफ हम भेज देंगे यार टेंशन मतलब रिवर ट्रेनिंग भी तुमको चाहिए सब चाहिए तुमको है इरीगेशन थोड़ा बड़ा है यार ब्लिक्स क्रीप थ्योरी होती है एक होती हमारी लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी ब्लिक्स क्रीप थ्योरी होती है और एक लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी होती है और सबसे बढ़िया थ्योरी जो हमारी होती है वो होती है खोसला थ्योरी वो होती है हमारी खोसला थ्योरी ठीक है वो होती है हमारी घोसला थ्योरी तो ये तीन थ्योरी होती हैं फेलियर थ्योरी जिनको हम लोग को मोटा मोटा समझना है ठीक है अब क्या कहती है थ्योरी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ये थ्योरी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो वियर का फेलियर सीपेज में हो रहा है जो पानी नीचे से सीप कर रहा है है ना सर जो आपका पाइपिंग हो रही है जो अपलिफ्ट लग रहा है उससे बचा जा सकता है कैसे इन तीनों थ्योरी के हिसाब से समझ लेते हैं सबसे पहले ब्लिक थी क्रीप थ्योरी देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके तो ब्लिक थी क्रीप थ्योरी सर क्या बोलती है कि पानी जो होता है सर वो चिपक चिपक के चलता है देखिए ऐसे पानी सर देखिए ऐसे चिपक चिपक के क्रीप करता है क्रीप का मतलब क्या है पानी के चिपक के चलना अकॉर्डिंग टू थ्योरी सर पानी इधर ज्यादा है इधर कम है ये बैराज बना है तो पानी धीमे धीमे रिस रिस के सर ऐसे चिपक चिपक के सर आगे आएगा पानी वर्टिकली क्रीप करेगा और हॉरिजोंटली क्रीप करेगा समझ में आ है सोनमारी सर जो टॉपिक इसके पूरे वहां से क्वेश्चन आने के चांस तो यार बहुत कम है भाई हमारे हिसाब से है ना अब क्या क्या बता दें बेटा इरीगेशन बहुत बड़ा है नहीं क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उन्हीं से तुम्हारे तो ज्यादा बनेंगे ठीक है तो अब सर क्या है क्रीप हो रहा है यहां पे अब अगर सर ये क्रीप लेंथ बढ़ गई अगर सर आप खुद सोचिए क्रीप लेंथ बढ़ गई तो अपलिफ्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी हमारी क्रीप लेंथ बढ़ने से सर अपलिफ्ट भी कम हो जाएगी और दूसरी चीज पाइपिंग भी कम हो जाएगी ठीक है पाइपिंग भी कम हो जाएगी तो हमारा लेंथ जितनी बढ़ती है चाहे पाइल्स की लेंथ बढ़े अपस्ट्रीम पाइल इंटरमीडिएट पाइल डाउनस्ट्रीम पाइल या फ्लोर किसी की लंबाई जब बढ़ती है सिलेबस अगर हम बहुत लंबा कर देंगे तो तुम शुरुआत तो करोगे लेकिन आखिर तक पहुंच नहीं पाओगे उतनी एनर्जी के साथ बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है ना धीमे धीमे सर जैसे आगे बढ़ते हैं ठीक है धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर तो बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सर तो लेंथ हमारी क्या होती है धीमे धीमे बढ़ने से धीमे धीमे जैसे जैसे आगे आते हैं सर वैसे वैसे हमारा फोर्स पानी का फोर्स कम हो जाता है और फिर उसके पास इतनी ताकत नहीं बचती कि वो यहाँ से इरोजन कर सके ठीक है तो ब्लिक स्क्रीप थ्योरी सर हम बस सिंपल सी इतनी है कि हम लोग ये लेंथ निकालते हैं देखिए d1 वन प्लस डी वन प्लस बी वन प्लस डी टू डी टू बी टू एल टू सॉरी है तो ये टोटल लेंथ निकाल लो बस ये टोटल लेंथ हमारी ब्लिग लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी ब्लिग लेंथ टू डी हो गई पहले d1 d1 फिर ये अपनी l1 फिर ये d2 d2 डी टू हो जाएगी प्लस फिर ये एल टू तो टोटल लेंथ निकाल लो है ना ये लेंथ जितनी ज्यादा उतना बढ़िया इसको ब्लिग्स क्रीप क्रीप लेंथ बोलते इसको क्रीप लेंथ बोलते बोलते हैं हैं इसको ब्लिग्स समझ गए सर कोई दिक्कत नहीं है क्या बोलते हैं सर इसको ब्लिग्स क्रीप लेंथ बोलते हैं ठीक है ये हमारी ब्लिग्स क्रीप लेंथ हो गई जितनी ज्यादा उतना बढ़िया और ये हमारा पानी का हेड हो गया अब इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सब लोग जानते हैं कि कितना हेड यहाँ पे टोटल है और कितना लेंथ इसे क्रीप करना पड़ेगा लेंथ जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट उतना कम होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को तुम एनर्जी से जोड़ो है ना ये एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना तेजी से यहां मिट्टी कट के बाहर निकल सकती है और अगर ये एनर्जी कम होगी हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर कम होगा तो फोर्स कम होगा और मिट्टी यहां पे आराम से नहीं निकल पाएगी है ना ठीक है तो ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है सॉयल में तुमने पढ़ रखा होगा हाइड्रोलिक ग्रट मतलब एनर्जी का लॉस जैसे जैसे सर पानी आगे बढ़ेगा धीमे धीमे उसकी जो एनर्जी फ्रिक्शन लगेगा मिट्टी में तो उसकी जो एनर्जी है वो धीमे धीमे सर क्या होने लगेगी खत्म होने लगेगी उसकी एनर्जी धीमे धीमे कम होने लगेगी ठीक है तो ये हमारी ब्लिक क्रीप लेंथ हो गई तो ये तुम्हारी देखो पूरा लेंथ है और इसको हम बोलते हैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ये जितना कम उतना बढ़िया ठीक है जितना कम है उतना सर अपना बढ़िया रहेगा मामला कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी तो इन्होंने दो कंसेप्ट दिए कहाँ दिए कंसेप्ट यहीं बता देता तुमको इन्होंने दो कंसेप्ट दिए कि सर हमारी जो टोटल लेंथ है हमारा जो ये आपकी ब्लिक स्क्रीप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है ये एक क्रिटिकल वैल्यू से कम रहना चाहिए है ना तुमने सॉयल नहीं पढ़ा होगा कि अगर हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो मिट्टी उखड़ के बाहर नहीं आएगी डाउन स्ट्रीम में अगर हमको फॉर नो पाइपिंग अगर हमको पाइपिंग नहीं चाहिए सर जी हमको देखिए दो चीज़ें नहीं चाहिए एक तो पाइपिंग नहीं चाहिए और दूसरा अपलिफ्ट नहीं चाहिए आप बात समझिए दूसरा हमको अपलिफ्ट नहीं चाहिए पाइपिंग नहीं चाहिए तो हमारी जो हाइड्रोग्रेन की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से कम रहे अब हाइड्रोलग्रेन का फॉर्मला आपने बताया एच वाई एल क्रिटिकल हाइड्रोग्रेन ब्रिट ने बोला वन बाई सी होता है सी जो है ब्रिक्स कोफिशेंट है तो लेंथ यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा कि हमारी जो लेंथ टोटल आ रही है वो आपकी सी से ज़्यादा आ रही है अगर हम टोटल लेंथ सी से ज़्यादा देंगे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा सर मौजा ही मौजा हो जाएगा सर जो जो फोर्स है वो इतना कम हो जाएगा कि मिट्टी को सर वहाँ निकाल नहीं पाएगा पाइप बनेगा नहीं तो बढ़िया पास फेल नहीं होगा है ना पास हो जाएंगे हाँ तुमने क्रिटिकल वैल्यू पढ़ रखी है जैसे सॉइल तुमने पढ़ा जी माइनस वन वन प्लस वाला वही कंसेप्ट यहाँ पे सेम वही है और कुछ नहीं है ना उन्होंने उसको वन बाई से बोल दिया था ब्लग ने एक्सीडेंट करा अच्छा अपलिफ्ट से अगर बचना है तो अपलिफ्ट से बचने के लिए सर सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जो फ्लोर का वज़न है, है फ्लोर का जो वेट है फ्लोर का जो वेट है वो ज़्यादा होना चाहिए देखो अभी तुमको शॉर्टकट बता रहे हैं ठीक है डिटेल में कभी देखेंगे तो पूरा डायरेक्शन वगैरह सब तुमको दिखा देते हैं बाद में लेकिन कभी तो फ्लोर का वज़न सर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि अपलिफ्ट का जो फोर्स है वो कम पड़ जाए है ना तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है थिकनेस ऑफ फ्लोर का जो कि होता है एच अपॉन जी माइनस वन कि फ्लोर की थिकनेस आपने अगर इससे ज्यादा रख दी वैसे यहां पे लिख देते हैं अगर फ्लोर की थिकनेस आपने इससे ज्यादा रख दी तो सर बढ़िया रहेगा फायदा हो जाएगा है ना फ्लोर की थिकनेस अगर आपने इससे ज्यादा रख दी तो मामला बढ़िया हो जाएगा ठीक है सर गेट के क्रैश कोर्स भी देखो बेटा गेट क्रैश कोर्स आ जाएगा सब तो थिकनेस ऑफ फ्लोर अगर इस वैल्यू से ज्यादा है तो बढ़िया लेंथ अगर इससे ज्यादा है तो आपकी पाइपिंग नहीं होगी आप लिफ्टिंग ब्लिक नहीं बताया लेकिन ब्लिक ने कई सारी प्रॉब्लम बताई ठीक है इन्होंने यहाँ पे देखो ये सी जो है ना सी इसको ब्लिक कोवेशन बोलते हैं और ब्लिक कोवेशन अलग अलग सॉइल लिए अलग होता है सी की वैल्यू देखो लिखी हुई यहाँ पे तो हाइड्रोलिन वन बाई एटीन वन बाई सी होता है ना तो ये हो जाएगा इतना इतना ठीक है अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग हिसाब किताब है इंपॉर्टेंट नहीं है अच्छा इन्होंने ब्लिक ने एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये कर दी कि वर्टिकल जब पानी चलता है और हॉर्जेंटल जब पानी चलता है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रखा लेकिन ये डिफरेंस जो प्रॉब्लम थी ये दूरी ये प्रॉब्लम दूर कर दी लेन ने लेन ने बोला ऐसा है कि जब पानी हॉर्जोंटल चलता है जब पानी हॉर्जोंटल चलता है तो इतनी एनर्जी का लॉस नहीं होता जितना जब वो वर्टिकल चलता है अगर मान लो वर्टिकल चलने में एनर्जी का लॉस वन हो रहा है तो हॉर्जेंटल चलने में एनर्जी का लॉस वन थर्ड होगा तो उसने क्या किया कि हॉर्जोंटल चलने में वन थर्ड का फैक्टर दिया वर्टिकल चलने वन का फैक्टर दिया तो जो जो वर्टिकल लेंथ थी डी वाली डी डी वन डी वन है ना उसमें उसने वन मल्टीप्लाई कर दिया और जो हॉर्जोटल लेंथ थी एल वन एल टू उसको वन थर्ड वन थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया है ना उसको इन्होंने वन थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इन्होंने क्या करा लेन साहब ने ब्लिग में एक छोटा सा चेंज ये कर दिया कि हॉर्जोनटल क्रीप हेड लॉस करने में कम एफिशियट है तो उसको वन थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो जो भी हॉर्जोनटल लेंथ है जैसे सर आपने यहाँ पर लेंथ लिखी थी तो जो आपकी हॉर्जोनटल लेंथ है एल वन और एल टू इसको आप वन थर्ड से इंटू कर दीजिए क्योंकि इसकी क्षमता कम है क्योंकि इसकी क्षमता तो है सर क्या है इसकी क्षमता कम है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है इसकी क्षमता सर कम है ठीक है क्लियर है बात फिर आती है सर हमारी खोसला थ्योरी खोसला थ्योरी सर क्या बताती है खोसला थ्योरी सर ये बताती है कि जैसे हमारी अपस्ट्रीम पाइल है ये डाउनस्ट्रीम पाइल है ये वियर का बैराज है सर ठीक है शायद तुमने पढ़ा होगा सब अब इन्होंने खोसला ने बोला ये चिपक चिपक के क्या है सर ये चिपक चिपक के पानी कहाँ चलेगा ये सब क्या नाटक है नहीं ऐसा नहीं होता पानी सर अपना सिंपल सा फ्लो नेट पैटर्न फॉलो करता है इस तरह से पानी बढ़िया से फ्लो करता है ठीक है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा बहुत और चार पॉइंट इन्होंने बताया पहली पॉइंट कि पानी जो चिपकता भी है तो अपस्ट्रीम पाइल के बाहर की साइड और डाउन स्ट्रीम पाइल के बाहर की साइड आउटर फेस में पानी चिपकता है तो हेड लॉस कराने में सिर्फ बाहर के फेस इंपॉर्टेंट है अंदर की तरफ पानी जा ही नहीं रहा है ठीक है तो उन्होंने बोला कि आउटर फेसेस तो फेसे ऑफ सीट पाइल वर मच मोर इफेक्टिव देन द इनर वंस क्योंकि बाहर की साइड पानी चिपकेगा ना यस और नो बताओ बाहरी की साइड तो इफेक्टिव है अंदर की साइड से कोई मतलब ही नहीं दूसरी चीज उन्होंने बताई कि अगर हमारी अंदर कोई बीच में पाइल है इंटरमीडिएट तो वहां तो पानी टच ही नहीं कर रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंटरमीडिएट पाइल हो या ना हो कोई मतलब नहीं लेकिन अगर आपने बीच की इंटरमीडिएट पाइल इतनी बड़ी कर दी कि बाहर आपकी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो पाइल है उससे बड़ी पाइल अगर आपने कर दी तब पानी का रास्ता बढ़ेगा तब वो इफेक्टिव होगी सर तब वो इफेक्टिव होगी तो इंटरमीड पाइल कब इफेक्टिव होगी बताओ इंटरमीडियट पाइल तब इफेक्टिव होगी जब वो अंदर और बाहर की जो पाइल है उससे लंबी हो वरना कोई मतलब ही नहीं है ये खोसला ने बताया कि अगर इंटरमीडियट पाइल हमारी छोटी है बाहर वाली से तो उसका कोई मतलब ही नहीं है वो इनफेक्टिव है सर सिंपल बात है ठीक है फिर अंडर माइनिंग शुरू होती है पाइपिंग वो इधर से शुरू होती है ये बात तो वो पहले वाले बता चुके हैं कि धीमे धीमे मिट्टी यहाँ से बाहर आती जाती है पाइप बनता जाता है पाइप बनता जाता है बनता जाता है तो अपस्ट्रीम से सॉरी डाउन स्ट्रीम से अपना अपस्ट्रीम की तरफ धीमे धीमे पाइप बनना शुरू होता है तो पाइपिंग हमारी टेल एंड से मतलब डाउन स्ट्रीम में शुरुआत होती है तो बिल्कुल सही है दूसरी एक चीज़ इन्होंने सबसे बड़ी कमाल की बताई कि हमें डाउन स्ट्रीम में ये पाइल लगाना मस्ट है अगर हमने डाउन स्ट्रीम में अगर हमने डाउन स्ट्रीम में ये पाइल नहीं लगाई तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो पाइपिंग को रोक सके इन्होंने एक फॉमूला दिया था एग्जिट ग्रेडियंट का इन्होंने एक फॉमूला दिया था एग्जिट ग्रेडियंट का एच बाई डी एच वाई पाई डी वन बाई ये फॉर्मला था है ना एच वाई पाई डी वन अपॉन्ट्रोडा ये एग्जिट रेडियं फॉर्मला है अब इस एग्जिट रेडियंट को जितना कम से कम रखेंगे उतना अच्छा है एग्जिट रेडियंट जितना कम उतना पाइपिंग नहीं होगी जितना एग्जिट रेडियंट क्योंकि एग्जिट रेडियंट वो फोर्स है जिससे पानी निकल रहा है बाहर है ना तो पाइपिंग उतनी कम हो जाएगी अब आप ये बताइए इनसे सबका मतलब क्या है इसमें एच का मतलब है कि कितना पानी का हेड यहाँ पे भरा हुआ है एच हो गया ठीक है डी का क्या मतलब है डी का मतलब है डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम पाइल अच्छा तुम बताओ अगर डाउन स्ट्रीम पाइल नहीं लगाई तुम बताओ अगर डाउन स्ट्रीम पाइल नहीं लगाई तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो और अगर डी ज़ीरो हो गया तो बताओ एक्सीडेंट कितना होगा कमेंट करो अगर हमने डाउन स्ट्रीम पाइल मान लीजिए नहीं लगाई हमने बदतमीजी कर दी हमने खोसला से लड़ाई कर ली मान लीजिए सर और हमने डाउन स्ट्रीम पाइल नहीं लगाई हमने कहा बाहर में जाओ तुम नहीं लगाई दिमाग ख़राब हो गया हमारा तो अगर डाउन स्ट्रीम पाइल नहीं लगाई तो बस हमको बताओ कि एक्सिडेड कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सिडेड कितना हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब बताओ हमको इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा और अगर इनफाइनाइट हो गया ये फोर्स इनफाइनाइट हो गया तो सॉल इरोजन रुक पाएगा क्या नहीं रुक पाएगा सर कभी तो अगर डाउनस्ट्रीम पाइल हमने नहीं लगाई तो हमारा जो एग्जिट रेडियंट है सर वो हो जाएगा इनफाइनाइट <श्यार्थ> और इस केस में सर पाइपिंग से कोई रोक नहीं सकता इसका मतलब तो सर पाइपिंग होनी ही होनी है कोई उसमें बचा नहीं सकता पाइपिंग सर होगी पाइपिंग अकर्स अब बचने का सर कोई रास्ता अपने पास नहीं है ठीक है ये एक प्रॉब्लम है हाँ बिल्कुल तो ये तुमको समझना पड़ेगा एक्जिट रेडेंट जितना कम उतना बढ़िया अकॉर्डिंग टू खोसला तो खोसला ने ये सारी बातें बताई उम्मीद करें चारों पॉइंट तुमको अच्छे से समझ में आ गए हैं ठीक है खोसला का एक्जिटेंट फॉमूला इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्या पता पूछा जाए डी तुम समझ गए डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम पायल एच तुम्हारा पानी का हेड हो गया हाइड्रोलिक हाइड्रोग्रियट लेमडा क्या होता है लेमडा होता है वन प्लस अंडर उठ वन प्लस एल्फा स्क्वायर बाई टू जिसमें एल्फा की वैल्यू होती है बी बाई डी बी क्या होता है बी होता है फ्लोर की लंबाई फ्लोर की लंबाई को बी बोलते हैं फ्लोर की लंबाई डाउन स्ट्रीम पाइल की लंबाई को रेशियो करोगे एल्फा हो जाएगा लेमडा निकलेगा लेमडा को यहाँ रखो डी रखो एच रखो पाई रखो एच ग्रेडियट आ जाएगा एग्जिट रेडियंट एक क्रिटिकल वैल्यू से अगर कम रहेगा तो हम रहेंगे सेफ एग्जिट रेडियंट अगर एक क्रिटिकल वैल्यू से कम रहेगा तो हम सेफ़ रहेंगे बढ़िया रहेगा मामला है ना ऐसे डिज़ाइन करते हैं ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं तो इसके साथ हमारा पूरा कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क अच्छे से हो गया है समाप्त एक क्वेश्चन जरा इसका आंसर दो हमें देखें भाई तुमको बात समझ में आई है कि नहीं आई है चलो ये सब हटा दो फालतू तो चीज़ें अरे यार ये क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट नहीं है मे भी नहीं है तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने ये बताओ तुम पहले हमको इसका आंसर दो इसका आंसर दो सब लोग hmm. चलो ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन इसके हम लोग एंड करेंगे बाकी हम लोग फिर सर लोग भी बता रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल बैल इंफेक्टिव का होती है जब अगर वो, वो बाहर वाली से स्मॉलर होगी हाँ बिल्कुल सही सब लोग देखो सही में देखो थ्योरी समझ में आ गई वेरी गुड चैंपियन बन गए भाई हम लोग सर एकदम बढ़िया चैंपियन बन गए ठीक है चलो ठीक है तो बस यही हमारा क्या है कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क है उम्मीद कर रहे हैं सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अब हम लोग को इसके बाद डायवर्जन हेडवर्क की स्लाइड को सबसे ऊपर कर देते हैं क्योंकि आज बेसिकली हम लोग ने यही पढ़ा है आज काफ़ी सारे टॉपिक्स टौ पढ़ लिए लाइंड कैनाल पढ़ लिया हम लोग ने हम लोग ने बेसिकली और उसके बाद हम लोग ने ठीक है लाइंड कैनाल पढ़ा हम लोग ने डाइवर्जन हेडवर्क्स पढ़ा ठीक है ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी और वाटर लॉगिंग पढ़ा तीन टॉपिक हम लोग ने खत्म किए अब जो बच रहा है अगर मोटा मोटा उसकी बात कर लें तो अगर आप जो बच रहा है अगर उसकी बात करें तो क्या क्या बचा है देखो लोग बता देते हैं अब थोड़ा सा कैनाल रेगुलेशन बचा हुआ है कैसे कैनाल का रेगुलेशन करते हैं कैनाल फॉल क्या है ठीक है कैनाल फॉल क्या होता है कैनाल ड्रॉप क्या है कैनाल स्केप क्या होते हैं कैनाल के क्रॉस रेगुलेटर क्या है हेड रेगुलेटर्स क्या होते हैं कैनाल के अंदर जो होते हैं वो बात कर लेंगे अच्छे से और तुम्हारे मीटरिंग फ्लूम्स वगैरह ये सब चीज़ें देख लेंगे ठीक है उसके बाद तुम्हारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क बचा हुआ है ठीक है एक्विडक्ट क्या है ये क्या है वो क्या है? वो सब पट से पढ़ लेंगे ग्रेविटी डैम पे कौन कौन से फोर्सेज वगैरह लगते हैं छोटी मोटी चीज़ें तो ये तीन टॉपिक हम लोग कल अपना खत्म कर लेंगे ठीक है तो ये सब अपना कल देख लिया जाएगा बाकी कैनाल रेगुलेशन क्रॉस ड्रेनेज ग्रेविटी डैम ये सब हो गया और एक टॉपिक तुम्हारा कैनाल का क्रॉस सेक्शन कैनल का क्रॉस सेक्शन भी हम चाहते हैं उनको अच्छे से बता दें क्योंकि छोटे मोटे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं ठीक है कैनाल का क्रॉस सेक्शन और क्लासीफिकेशन जरा पूछ लेना हमसे तो वो तुमको हम बता देंगे ठीक है कैनाल का क्लासिफिकेशन और क्रॉस सेक्शन चार टॉपिक लिख लो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ़िलहाल इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी चलो हल्का हल्का आइडिया ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है ये चार टॉपिक हैं जरा हमसे हमको याद दिला दें क्लासिफिकेशन लिख लो चाहो तो याद दिला दें अगर हम इनमें से कोई भी छोड़ें ठीक है पी वाई क्यू सेशन होगा जब ये क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा तो सारे टीचर्स पी क्यू सेशन ले रहे होंगे है ना इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो सारे टीचर्स जो है पी वाई क्यू सेशन बढ़िया से ले रहे होंगे ठीक है चलो भाई और बताओ कल की क्लास की टाइमिंग नॉर्मल भाई जो छः से आठ चल रही है वही क्लास की टाइमिंग रहेगी ठीक है, है? बाकी कुछ भी नहीं छः से आठ नॉर्मल टाइम ठीक है और कोई डाउट ऑर्डर पूछो यार कोई डाउट कोई क्वेरी कुछ भी पूछना हो तो बताओ एच पी एस एस सी फिलहाल हमने यहाँ पर कोशिश करी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाए कोशिश तो हमारी यही रही है कि जितने मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए उतना बढ़िया है ठीक है तो चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कल कैनाल रेगुलेशन देख लेंगे क्रॉस ड्रेनेज देख लेंगे ग्रेविटी डैम और ये सब देख लिया जाएगा बढ़िया से ठीक है चलो एंड करते हैं हम लोग एंड करते हैं बल्कि हम तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि चार पांच चीज़ें हम तुमको बता रहे हैं वो तुम लोग कल खुद से ढूंढ के लाओ ठीक है ये तुम्हारा होमवर्क है एक स्लाइड हम यहाँ पे जोड़ते हैं ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग खुद से ढूंढ के लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा सा तुम रिसर्च करके आओगे तो बढ़िया रहेगा बाकी हम बताएँगे तो है ही उसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ जरा हाँ सर तो एक चीज़ सुन लो कल देखे सर हम लोग क्या है ना कैनाल रेगुलेशन जो हमारा है उसमें हम लोग को बेसिकली चार चीज़ें पढ़नी है कैनाल रेगुलेटर्स देखिए कैनाल बन गई कैनाल का डाइवर्जन हो गया पानी सर नदी से कैनाल में चला गया ठीक है सर बात समझ में आई है ना कैनाल डाइवर्जन हेडवर्क्स तो हमने बना लिया हेडवर्क में तो समझ गए सर ग्रेट लगे गेट खोला और पानी सर अंदर चला गया सिल्ट चली गई ये सब हो गया ठीक है अच्छा लास्ट में कैसे पढ़ाई करें रिवीजन चलो बताते हैं तुमको एक डाउट सेशन भी चलो रख लेंगे डाउट पूछ लो ना अभी क्लास में पूछ लिया करो डाउट तो कैनाल रेगुलेशन करने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं देखो यार बात क्या है सिंपल से समझ लो कैनाल रेगुलेशन में हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनका मेन काम होता है तीन चीज़ें कंट्रोल करना एक तो पानी की वेलोसिटी वेलोसिटी से ऑब्वियसली डिस्चार्ज भी कंट्रोल होगा और पानी की डेप्थ तीन चीज़ें कंट्रोल करनी है कमेंट करो हम लोग क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं सर केनाल रेगुलेशन का मतलब क्या है कि हम पानी की गहराई को उसकी स्पीड को वेग को और फ्लो को कंट्रोल कर सकें ठीक है समझ रहे हो बात तो अगर हम सर यहाँ बात करते हैं तो कैसे करते हैं ये इसमें दो तीन चीजें हैं जो हम लोग पढ़नी है एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कनाल फॉल्स या ड्रॉप्स कल पढ़ के आना इसको जरा कहीं से ढूंढ के फिर हम देखेंगे तुमने सही बताया कि नहीं एक होता हमारा केनाल वाटर एस्केप या केनाल एस्केप बोल लो वाटर एस्केप ना लगाओ केनाल स्केप लगे होते हैं ना फिर होते हैं सर केनाल रेगुलेटर्स दो प्रकार के कैनाल रेगुलेटर्स होते हैं एक होता है हमारा हेड रेगुलेटर और एक होता है हमारा क्रॉस रेगुलेटर एक हमारा होता है हेड रेगुलेटर एक हमारा होता है क्रॉस रेगुलेटर ठीक है ये सर हमारे हमको जानने हैं हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या होता है दरवाजे ही है बेसिकली बेसिकली सर ये क्या आपने गेट्स ही हैं तो कैल फॉल हो गया एस्केप हो गया कैनाल रेगुलेटर हो गया और एक तुम्हारा आखिरी में हो जाएगा और क्या चीज़ होती है एक चार होते हैं यार अपने फॉल एस्केप रेगुलेटर फॉल से शुरुआत होती है एस्केप में तीन हो गए रेगुलेटर हो गए एक यार कुछ रह रहा है कुछ याद दिलाओ जल्दी से हमको हल्का सा दिमाग से निकल रहा है क्या नाम होता है उसका कैनाल नाम नहीं याद रहा बताओ जरा कैसे करो और क्या हमारे रेगुलेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं एक यहाँ मिस हो रहा है कोई एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हो गया ये हो गया फॉल के लिए है चार होते हैं यार एक और होता है मीटरिंग फ्लूस वगैरह रहते हैं पानी को मेजर करने के लिए रुको एक मिनट देख के बता देते हैं एक गायब हो रहा दिमाग से हाँ आउटलेट यार कैसे भूल गया सबसे इंपॉर्टेंट तो आउटलेट ही है बिल्कुल सही कैनाल आउटलेट्स आउटलेट से पानी सर अपना खेतों की तरफ नालियों से होते हुए खेतों में जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आउटलेट तीन टाइप के आउटलेट हम लोग को बेसिकली पढ़ने हैं कल बढ़िया से डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम्पल्स क्या काम होता है ना आउटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा भी कुछ मीटरिंग डिवाइस रहती हैं ठीक है थीके? तो वो फ़िलहाल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं थोड़ा सा लेकिन तुमको हम आइडिया दे देंगे ठीक है तो कल बेसिकली इनके बारे में हमें जानना है और क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग देख रहे होंगे साइफन एक्डक्ट एक्विडक्ट क्या होता है सुपर पैसेज क्या होता है है ना और ये सारी चीज़ें हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे लेवल क्रॉसिंग क्या होती है इसको हम लोग कल देख रहे होंगे तो ये बेसिकली दोनों रहेगा और फिर उसके बाद हम लोग गैवरी डैम को समझेंगे और कैनाल का क्लासिफिकेशन देख लेंगे और क्रॉस सेक्शन समझ लेंगे बात खत्म हो जाएगी ठीक है तो मोटे मोटे तुम्हारे क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सारे टॉपिक्स कल तक अपने कवर हो जाएंगे सभी से रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि इनको थोड़ा सा देख के आना इनको थोड़ा सा देख के आना जरा दिमाग लगाना इनके ऊपर ठीक है और कैनाल ऑटर थोड़े से डेफिनेशन वगैरह भी आती हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या है सेंसिटिविटी क्या है तो इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे ठीक है चलो ठीक है तो उनको कल देखा जाएगा और हो पाए तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स भी देख के आना हो पाए तो जरा क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स भी देख के आना ठीक है चार क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बेसिकली अपने इंपॉर्टेंट है है ना एक होता है सर एक्विडक्ट एक होता है साइफन एक्विडक्ट एक हमारा होता है सुपर पैसेज और एक होता है हमारा कैनाल साइफन ये चार हैं एक लेवल क्रॉसिंग भी होता है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो ये चार तो देख के आना ये तुम्हारे होमवर्क है इनको ज़रा अच्छे से ढूंढ ढांड के आना ठीक है ताकि कल तुम्हें समझने में आसानी हो ठीक है चलो फिर एंड करते हैं सेशन को यहाँ पे और कल मिलेंगे बढ़िया से बाकी चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे होंगे ठीक है चलो थैंक यू एवरीवन ख्याल रखो खुश रहो कल मिलते हैं शाम को और और भी चीज़ें देख रहे होंगे ठीक है कुछ लगेगा तो कल थोड़ी सी लंबी क्लास लेके क्वेश्चन वगैरह भी तुमको हम थोड़ा सा करा देंगे ठीक है चलो स्टेबलेस टेक केयर